नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेव्स। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्लास सेवन्थ की एनसीईआरटी, जो कि ज्योग्राफी की है। तो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी क्लास सिक्स की है, क्लास सिक्स की जो ज्योग्राफी है वो कंप्लीट हो चुकी है पार्ट वन और प्लस पार्ट टू में, यानी कि पार्ट वन और पार्ट टू में वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है। दो पार्ट है उसके, उसको आप जाकर देख सकते हैं। तो ये वाली ज्योग्राफी आपको आसानी से समझ में आएगी। उसकी लिंक मैं आगे जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो में, वो आप देख सकते हैं। तो इस लेक्चर में देखिए, मुख्य रूप से आपको मिलेंगे टोटल 10 अध्याय। 10 अध्याय में देखिए, पहला अध्याय जो है पर्यावरण का है, दूसरा आपका देखने को मिलेगा हमारी पृथ्वी के अंदर क्या है वो हमको देखने को मिलेगा, हमारी बदलती पृथ्वी, वायु के बारे में हम जानेंगे, जल क्या होता है जल के बारे में सारी चीजें जानेंगे, फिर प्राकृतिक जो वनस्पति एवं उनके जो वन्य जीवन है उसके बारे में देखेंगे, मानवीय पर्यावरण जो कि बस्तियां है, परिवहन एवं संचार है उसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे जो मानव पर्यावरण अन्योन्य प्रक्रिया जो है, एक प्रकार से हम देखें तो उष्ण कटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में जानेंगे, शीतोष्ण घास स्थल में जो जीवन है और रेगिस्तान में जीवन है उनके बारे में विस्तार से जानेंगे। तो इसका कंप्लीट जो है सभी सभी चैप्टर का जो सारांश है वो आपको लगभग एक लेक्चर में या फिर हुआ तो दो लेक्चर में आपको मिल जाएगा, वो आप कंप्लीट जो है देख सकते हैं। फिर आगे की जो एनसीईआरटी है, यानी कि क्लास एट की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, वो हम कवर करेंगे। इसी प्रकार धीरे धीरे हम 12th तक पहुंच जाएंगे, तो हमारा जो बेस है बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। फिर आप कोई भी ज्योग्राफी जो है, कोई भी एग्जाम के लिए अगर बुक पढ़ोगे, कोई भी जो एडवांस बुक होती है, तो उसको आप आसानी से आपकी समझ डेवलप हो पाएगी। तो चलिए देख लेते हैं, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पर्यावरण। तो पहला जो चैप्टर है हमारा कौन सा है, पर्यावरण का है। और पर्यावरण अगर बात करें हम, तो पर्यावरण यानी कि हमारे आसपास का जो आवरण होता है। अब क्या क्या चीजें होती है हमारे आसपास आप देख सकते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, जंगल, और इसके प्रकार से हम देखें तो बिल्डिंग हो सकती है, मशीन हो सकती है, उद्योग हो सकते हैं, बहुत सारे होते हैं, या तो कुछ प्राकृतिक होते हैं या कुछ जो होते हैं कृत्रिम होते हैं। तो इन सभी के आसपास मतलब हमारे आसपास जो भी चीज है, हमारे आसपास जो भी चीजों का आवरण है वो क्या कहलाएगा, वो पर्यावरण कहलाएगा। तो पर्यावरण मुख्य रूप से हम देख सकते हैं, देखिए हमें जो है सांस लेने के लिए हवा एवं पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन, रहने के लिए भूमि, ये सभी जो है प्राकृतिक चीजें हमारे आसपास, यानी प्राकृतिक चीज है। उसके अलावा कुछ चीजें जो होती है, जैसे कार से हमको धुआं जो है वायु को प्रदूषित करता है ना, पानी को एकमात्र यानी कि एक मतलब जो पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, ये सभी क्या है, जैसे भूमि पर कारखानों का निर्माण किया जाता है, मानव कार मेल कारखाने एवं बर्तन का निर्माण करता है, ये सभी जो है मानव के द्वारा निर्मित एक प्रकार से जो है प्राकृतिक जो पर्यावरण है, पर्यावरण के कुछ घटक है। तो हम बोल सकते हैं हमारे आसपास जो भी आवरण है, या तो वो प्राकृतिक हो सकता है या मानवीय हो सकता है, तो इन चीजों का आवरण को हम क्या बोलेंगे, पर्यावरण बोलेंगे। पर्यावरण मुख्य रूप से देखिए, जो 5 जून है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीज है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अब पर्यावरण के जो एलिमेंट है, यानी कि एनवायरनमेंट के जो एलिमेंट, यानी कि पर्यावरण के कुछ घटक है, वो हम देख लेते हैं। तो मैंने जैसे बताया यहाँ देखिए, प्राकृतिक पर्यावरण भी होता है, उसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण भी होता है, और कुछ मानव भी होते हैं। तो हम यहाँ देख लेते हैं सबसे पहले प्राकृतिक। तो प्राकृतिक में मुख्य रूप से आपको 4 चीजें देखने को मिलेगी। तो 4 चीजें की छोड़िए, 2 3 चीजें हैं, 3 चीजों से ही मिलकर वो 34 चीज बनी हुई है। तो यहाँ देखिए हम देख सकते हैं, सबसे पहले आपको देखो जहाँ हम रहते हैं वो होता है स्थल मंडल, जहाँ भूमि का भाग है उसे हम क्या बोलेंगे, स्थल मंडल, मतलब जितने भाग में हम स्थलीय भाग में जो हम रहते हैं, भूपरपेटी का ऊपरी भाग, वो हम उसको बोल सकते हैं स्थल मंडल, जहाँ पे हम रहते हैं, बिल्डिंग बनती है, पेड़ पौधे उगते हैं, सारी चीजें हो गई स्थल मंडल में। उसके अलावा जो जल वाला भाग है, समुद्र का जल हुआ या नदी का जल हुआ, जितना भी जो जल है हमारा वो हो गया जल मंडल कंप्लीट। ठीक, जो जल मुख्य रूप से आपको पता होगा हमारे लिए बहुत उपयोगी है, हालांकि पूरा कंप्लीट जो पृथ्वी का जल है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं है। ठीक, उसमें से कुछ परसेंट ही हमारे लिए उपयोगी है। फिर होता है वायुमंडल। तो वायुमंडल आप देख सकते हैं, जो वायु का आवरण होता है, जो हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, और विभिन्न प्राणियों को जो है अलग अलग प्रकार से हम देख सकते हैं, पौधों के लिए सहायक होता है, तो ये कहलाता है वायुमंडल। तो इन तीनों चीजों से मिलकर बना होता है एक सजीव मंडल। सजीव मंडल यानी कि तीनों चीजों का जो मिश्रण है वो एक प्रकार से जैव मंडल का निर्माण करता है। जैव मंडल का मतलब होता है जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब तीनों चीजों को मिलाकर ही हम जो है जैव मंडल का निर्माण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हवा रहेगी,
जल रहेगा और स्थल रहेगा, तीनों चीजें रहेगी तभी यहाँ पे कोई भी प्राणी या कोई मनुष्य यहाँ पे जीवित रह सकता है, इसलिए उसको बोलते हैं जैव मंडल या सजीव मंडल। तो ये चार हो गए किसके, प्राकृतिक पर्यावरण के जो है पार्ट हो गए। फिर इसके बाद मानव निर्मित पर्यावरण की बात करूं मैं, तो मानव निर्मित में इमारतें आ जाती है, बिल्डिंग आ जाती है, कोई पार्क आ जाता है, पुल पुल यानी कि जो ब्रिज होते हैं वो आ जाते हैं, सड़क बनाई जाती है, स्मारक, ठीक है। उसके बाद उद्योग, ये सभी जो है मानव निर्मित है, ये मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। फिर मानव की बात करते हैं, तो मानव में एक व्यक्ति आता है, एक व्यक्ति से मिलकर क्या बनता है, एक परिवार बनता है, परिवार से मिलकर एक समुदाय बनता है, उसके बाद धर्म बनता है। इसके अलावा देखिए यहाँ हम बोल सकते हैं जो शैक्षिक यहाँ पे शिक्षा दी जाती है धर्म की, अलग अलग धर्म की यहाँ पे, आर्थिक रूप से हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से जो है मानव अपनी क्रियाएं करता है, और राजनीतिक स्थिति यहाँ देखिए पूरे भारत की इस प्रकार से हम देख सकते हैं, ये है मानव, मानव संबंधित। तो पर्यावरण के घटक मुख्य रूप से हम देखें प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव, ये सभी मिलकर जो है पर्यावरण के घटक बनाते हैं। अब जीवीय और अजीवीय में क्या फर्क है, तो देखिए सजीव प्राणियों का जो संसार है, जैसे कि जिसमें जो रहती है जो जीवित रहते हैं, पादप हो गया, जंतु हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे, जीवीय कहलाएंगे। और अजीवीय यानी कि निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे कि स्थल है ना, बिल्डिंग हो गई, मशीन हो गई, ये सभी क्या है, निर्जीव है। तो हम देख सकते हैं दोनों में यहाँ अंतर। आगे चलते हैं, यहाँ पे प्राकृतिक पर्यावरण हमने देखे तो मुख्य रूप से क्या क्या चीजें होती हैं, तो सबसे पहली बात होती है यहाँ देखिए चार चीजें होती है, एक तो होता है स्थल मंडल है ना, जल मंडल और वायुमंडल और जैव मंडल, मतलब हम बोल सकते हैं भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जो प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं उसमें मुख्य रूप से इतनी चीजें हमने देख चुके हैं। तो स्थल मंडल जहाँ ऊपरी भाग होती है जिसमें चट्टाने होती है, मतलब भूपरपटी जो ठोस पदार्थ होता है, खनिज बना होता है, मिट्टी की पतली परत से ढका होता है, जिसमें कि पहाड़, पर्वत, मैदान जो है, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलकृतियां हमको देखने को मिलती है, उसे हम बोलेंगे जो है स्थल मंडल। तो आप देख सकते हैं स्थल मंडल कौन सा होता है, वो हमने यहाँ पे देखे हैं, जैसे कृषि के लिए जो है भूमि हमको उपलब्ध होती है, बस्तियां बनाने के लिए, पशुओं को चारा चराने के लिए, खनिज संपदा का एक मुख्य स्रोत होता है। यहाँ हम देखिए थ्योरी पढ़ने से ज्यादा हम चित्र देख सकते हैं, देखिए स्थल मंडल आपको नजर आ रहा है, स्थल मंडल क्या होता है, देखिए देखिए सड़क भी मिलेंगी हमको वहाँ, खेत भी मिलेंगे, इसके अलावा मानव बस्तियां मिलेगी और बहुत सारे ब्रिज, पुल, जो भी चीजें हमको देखने को मिलेगी सारी चीजें हमको यहीं पे देखने को मिलेगी, किसमें, स्थल मंडल में। अब इसमें जो जीव जंतु रह रहे हैं, मनुष्य रह रहा है उसको, या पेड़ पौधे जो भी है उसको, जल कहाँ से प्रदान होगा, जल मंडल से प्रदान होगा, जैसे नदियां हो गया, समुद्र हो गया, बहुत सारी जगह है, ठीक है। अब इन सभी को जो है सांस लेने के लिए यहाँ पे वायु की जरूरत होती है, तो वो कहाँ से प्रदान की जाएगी, वायु से है ना, वायुमंडल से। तो वायुमंडल से ये तीनों चीजें हो गई, एक प्रकार से तीनों चीजों का जो मिश्रण है वो कहलाएगा जैव मंडल। तो हम ये चारों चीजें देख लिए यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, हम देखिए जल मंडल हमने जान लिया, जल का क्षेत्र है जहाँ नदी, झील, सागर, समुद्र, महासागर, ये सभी जो है जलाशय मिलकर यहाँ पे बनता है। और वायुमंडल हमने देखे हैं जहाँ वायु चारों ओर फैली होती है पृथ्वी में, ठीक है, और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है इसको एक जगह थामे रखता है, अगर गुरुत्वाकर्षण बल ना हो तो वायुमंडल में वायु नहीं दिखेगी, ठीक है, और सूर्य से आने वाली जो हानिकारक किरणें हैं वो हमको झुलसा देगी। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आगे चलते हैं, परितंत्र क्या होता है, परितंत्र का मतलब होता है देखिए हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु है, सारे जो जीवधारी है वो आपस में एक दूसरे से मिलकर पर्यावरण में रहते हैं और आपस में भौतिक क्रियाएं एवं रासायनिक क्रियाएं करते हैं परस्पर, इसी को ही परितंत्र बोलते हैं, ठीक है। मतलब समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण में उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और निवास करते हैं। तो ये सभी जो क्रियाएं हैं वो आपस में किसके अंतर्गत आती है, परितंत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। परितंत्र हमने देख लिए और ये आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे कुछ बेसिक सी चीजें हैं, तो ज्यादा हमको डिटेल में नहीं जाना है। मानवीय पर्यावरण देखते हैं, तो मानवीय पर्यावरण में मुख्य रूप से देखिए पहले के समय में क्या होता था, मनुष्य अपना जो गुजारा है पहले तो आदिवासी था, मतलब आदिवासी बोल सकते हैं, मनुष्य जो है खुद शिकार करता था है ना, खुद जो है खा लेता था, परंतु कुछ समय पश्चात ऐसा आया कि उसको स्थिर नहीं था, कुछ समय पश्चात ऐसा आया कि वो स्थिर हो गया। स्थिर क्यों हो गया, क्योंकि उसने जो है फसल उगाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया। तो खेती करना सीख लिया तो उस समय भी क्या होता था, मनुष्य अपनी जरूरत की चीजें खुद ही उगा लेता था, अपने आप में वो डिपेंड था, पर कुछ थोड़े समय बाद क्या हुआ, वो जो है उसकी जरूरतें बढ़ती गई, तो एक दूसरे से ऐसे वस्तु लेन देन के बदले, मतलब इधर वस्तु दे देता दूसरी और दूसरी वस्तु दे ले, तो यहाँ वस्तु विनिमय पद्धति प्रणाली चालू हुई, यानी कि अदल बदली, इसे हम बोलते हैं व्यापार। फिर कुछ समय पश्चात ऐसा हुआ कि मुद्रा का आविष्कार हुआ, मुद्रा का आविष्कार होने से क्या हुआ, सूचना क्रांति आई, सूचना क्रांति के बाद जो है पूरे देश में
पूरे देश और पूरे विश्व में आपस में जो है मुद्रा के द्वारा जो है विनिमय होने लगा, परिवहन भी काफी तेजी से बढ़ा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं मानवीय पर्यावरण जो है, जैसे परिवहन के द्वारा पहले पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था तो पहले जानवरों का उपयोग किया जाता था, परंतु पहिए का आविष्कार होने के पश्चात जो है और अधिक जो है क्षमता से हम जो क्या कर सकते थे परिवहन को यहाँ पे तेज कर दिया। उसके बाद अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजी आई तो काफी यहाँ पे वृद्धि हमको देखने को मिली। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट जो है पर्यावरण क्या था हमने देख लिए हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपने अगर अच्छे से लेक्चर पढ़ा है ये वाला मतलब जो अध्याय है वो पढ़ा है तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। कैसे, पारितंत्र क्या है, प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण के मुख्य प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, मानव निर्मित पर्यावरण के चार उदाहरण देना है यहाँ पे, स्थल मंडल के बारे में बताना है, जीवीय पर्यावरण के दो प्रमुख घटक बताना है और जैव मंडल क्या होता है। इन सब के आंसर देखिए कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। पढ़ लिए तो बताना पड़ेगा, ये कंपलसरी है, और अगर नहीं पढ़े सीरियसली अगर पढ़ रहा है तो जरूर आप कमेंट में आंसर दे। आप अब देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर हमको देखने मिलेगा हमारी पृथ्वी के अंदर, मतलब पृथ्वी के बाहर तो हमने देख लिया। देखिए पृथ्वी में हमको चार चीजें देखने को मिली, एक तो मिला स्थल मंडल देखने को मिला, और दूसरा मिला जल मंडल हमको देखने को मिला, तीसरा मिला वायुमंडल देखने को मिला, और इन सभी चीजों से मिलकर बना हमारा जैव मंडल। ठीक है, ये हमने देखे। तो ये इतनी चीजें हमको देखने को मिली है कि इसमें पृथ्वी के बाहर। अब अंदर की बात करें तो देखिए इस लेक्चर में हम वही देखने वाले हैं। तो हमारे पृथ्वी इस प्रकार से देखिए जियोड है, हालांकि गोल दिख रही है, और अगर हम कोई तरबूज लेके आते हैं और तरबूज में से इतना भाग अगर काट के निकालते हैं तो इतना भाग हम निकाल दें तो यहाँ हमको देखेगा अलग अलग प्रकाश है। तो देखिए इसमें बहुत सारी चीजें होती है, देखिए तीन भाग होते हैं, ये देखिए ये हमारे इस प्रकार से भाग निकल गया तो यहाँ हमको तीन भाग देखने को मिलेंगे। तीन कौन कौन से, एक तो भूपर्पटी देखने को मिलेगी जिसके अंदर हमको स्थल मंडल और सारी चीजें जो स्थलकृति है वो देखने को मिलेगी, दूसरा होता मेंटल और तीसरा होता कोड। ठीक है, तो ऊपर वाले में दो भाग मिलेंगे, ऊपरी भूपर्पटी और निचली भूपर्पटी, मेंटल में भी ऊपर मेंटल और निचला मेंटल, और कोड में भी बाहरी और आंतरिक। तो हम देख सकते हैं छह भाग होगा टोटल। तो जो ऊपर वाला भाग है भूपर्पटी वाला, तो भूपर्पटी वाला भाग जो है सिलिका और एल्यूमिनियम से बनता है। ठीक है, तो उसको सियाल बोलते हैं। कौन सा, ये वाला ऊपर वाला, इसको बोलते हैं सियाल। ठीक है, सियाल बोलते हैं, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनता है। उसके बाद है जो सेकंड वाला यानी कि मेंटल है, मेंटल बनता है सिलिका और मैग्नीशियम से, सिलिका और मैग्नीशियम इसलिए उसको सीमे बोलते हैं। और जो लास्ट वाला है निकिल और फेरस, यानी कि जो है हम देख सकते हैं निकिल और फेरस से बनता है ये वाला लास्ट वाला, इसलिए इसको बोलते हैं निफे। तो ये तीन पार्ट हमने देख लिए यहाँ पे, कौन कौन से, भूपर्पटी, भूपर्पटी के बाद मेंटल, और मेंटल के बाद क्रोड। तो क्रोड में भी दो भाग होते हैं बाह्य क्रोड और आंतरिक क्रोड, और मेंटल में भी दो भाग होते हैं ऊपरी मेंटल और निचला मेंटल। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे देखिए स्थल मंडल जो होता है, अच्छा स्थल मंडल के जस्ट नीचे मेंटल होता है। ठीक है, स्थल मंडल जो होता है भूपर्पटी कहलाता है, और मेंटल में जो हम देख सकते हैं पिघला हुआ जो मैग्मा होता है वो होता है, और वहां से दरार जैसे मिलती है उसको तो ऊपर निकलता है वो ज्वालामुखी। और आंतरिक क्रोड भी हम देख सकते हैं, देखिए आंतरिक क्रोड में बाहरी क्रोड और आंतरिक क्रोड दो होते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं हम, देखिए टोटल जो यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ से जीरो से लेकर यहाँ तक कितनी होती है, 6000, लगभग 6000 किलोमीटर की गहराई तक जो है हमारी पृथ्वी है। तो हम देख सकते हैं लगभग 5 से 6 किलोमीटर तक ही हम नीचे जा सकते हैं, उसके नीचे तापमान बढ़ने के कारण हम नीचे नहीं जा सकते हैं। ठीक है, आगे देख सकते हैं हम, यहाँ देखिए यहाँ आप अच्छे से समझ सकते हैं इसमें जो हमारी पृथ्वी का जो भाग हमने देखे हैं कौन कौन सा है, एस्थेनोस्फेयर यानी कि जो ऊपर वाला भाग है भूपर्पटी वाला, फिर उसके बाद देख सकते हैं मेंटल। ठीक है, उसके बाद हम देखिए यहाँ देख सकते हैं आउटर कोर और इनर कोर, मेंटल हम देख सकते हैं। देखिए यहाँ टोटल आपको लंबाई भी दी है, मतलब जो गहराई है कौन कौन सी, 5100 किलोमीटर से नीचे 6000 तक हमको देखने को मिलेगा, 2900 से 5100 तक आउटर देखने को मिलेगा। फिर ऊपर आपको देखने को मिलेगा, देखिए जो क्रस्ट वाला भाग है वो 100 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा, उसी में आपको आकृतियाँ देखने को मिलती है विभिन्न प्रकार की। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, किस किस प्रकार ये वर्क करता है तो वो हमने देखे यहाँ पर। देखिए ये देख सकते हैं स्थलाकृतियाँ के रूप में कौन कौन सी मिल सकती हैं, महासागरीय पर्पटी हमको देखने मिलती है, महासागर देखने को मिलता है, महाद्वीप मिलता है, महाद्वीपीय भूपर्पटी जो पर्पटी है वो मिलती है। तो यहाँ देखिए 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला है कौन सा, जो ऊपर वाला मेंटल है, और उसके बाद जो 6000 मैंने बताया था 6371 तक जो है नीचे क्रोट जो है एक प्रकार से फैला हुआ है। इसके बाद हमने ये देखिए निफे भी देखे थे, निकिल और फेरस जो है निचले वाले यानी कि जो क्रोड है उसमें निकिल और लोहे
से बनी होती है वो, इसलिए उसको जो है निफे बोलते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी यहाँ पे उच्च हमको देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सैल और खनिज। सैल और खनिज की बात करें तो सैल मतलब होता है एक प्रकार से चट्टान हम बोल सकते हैं। तो जो पृथ्वी की जो भूपरपट्टी है उसमें अनेक प्रकार की सैलें हमको देखने को मिलती है। तो जो भूपरपट्टी है, पृथ्वी की जो परपट्टी है उसमें बनाने वाले जो खनिज पदार्थ है, उसको बनाने के लिए जो खनिज पदार्थ की जरूरत पड़ी है वो उसे बोलते हैं प्राकृतिक पिंड, और उसी प्राकृतिक पिंड को बोलते हैं सैल, और सैल को हम चट्टान बोल सकते हैं। ये अलग अलग रंग, अलग अलग आकार, अलग अलग गठन के अनुसार हो सकती हैं। जैसे कि मुख्य रूप से हम तीन भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से, एक तो आग्नेय सैल जिसे हम इग्नियस बोलते हैं, उसके बाद अवसादी यानी कि सेडिमेंट्री, और इसके बाद बोलते हैं कायंत्रित जिसे हम बोलते हैं मेटामॉर्फिक यानी रूपांतरित भी बोल सकते हैं। तो जो प्राथमिक सैल होती है, हम यहाँ अगर इसको चित्र के रूप में देखेंगे जो सैल है तो वो ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। देखिए ये सेल है, तो जैसे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर, ये देखिए ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हो गया ऊपर भूपरपट्टी, मेंटल हो गया, और ये हो गया क्रोड। तो यहाँ पे जो है पिघला हुआ लावा आपका हमेशा बह रहा है, ठीक है। अगर वो लावा को कहीं से दरार मिल जाती है तो वो ऊपर निकल जाता है इस प्रकार से, ठीक है, ये ज्वालामुखी के फॉर्म में। तो यहाँ पे जैसे ही मैग्मा बाहर निकला तो उसने नाम रख लिया अपना क्या, लावा, मतलब अंदर हमको मैग्मा बोला जाएगा और ऊपर निकल कर उसको लावा बोला जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ज्वालामुखी आपकी निकल गई। ज्वालामुखी जैसे ही धीरे धीरे ठंडी हुई, उसके जो अवशेष है तो वो बन गया आग्नेय सेल, यानी कि इसको बोलेंगे हम प्राथमिक सेल। और प्राथमिक सेल यानी कि इसमें जीवाश्म बिल्कुल नहीं मिलेंगे, क्योंकि इतनी गर्म तापमान में जीवाश्म कहाँ टिकने वाले हैं। तो जीवाश्म नहीं मिलेंगे, रवेदार होती है, परतदार बिल्कुल नहीं होती है, परत नहीं होती है। उसके बाद धीरे धीरे इसके जो है निक्षय, एक प्रकार से अपक्षय और अपरदन। अपक्षय मतलब क्या होता है, सेल टूटकर वहीं पर गिर जाती है, और अपरदन मतलब टूट टूट कर वो दूसरी जगह चले जाती है। तो इस प्रकार चली जाती है धीरे धीरे जाते जाते, कारण जो अवसाद उसके आगे जाने के कारण वो परत दर परत जम जाते हैं। तो परत दर परत जम जाते हैं, तो ये द्वितीय क्रम की चट्टाने होती है। तो जो ढेर सारा उसमें परत होता है, अब परत होगा तो जीवाश्म होगा कि नहीं, यस जीवाश्म होगा, परत भी होगी, ठीक है। इसके अलावा ये जो है हम देख सकते हैं यहाँ पे किससे बनती है, एक प्रकार से हम जो आग्नेय चट्टान है, आग्नेय चट्टान के अपक्षय और अपरदन की क्रिया के फलस्वरूप ये जो है अवसादी चट्टान देखने को मिलती है। जो मतलब जीवाश्म में बहुत सारे हमको देखने मिलेंगे, हाँ, जैसे पेड़ पौधे के अवशेष, जीवों के अवशेष, बहुत सारी चीजें। अब धीरे धीरे ये भी जो है घिसावट के कारण धीरे 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 अलग जो है फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो अलग फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो उसे बोलते हैं कायंत्रित चट्टान। तो कायंत्रित चट्टान जो होती है एक प्रकार से इसका बदला हुआ रूप रहता है, ये परतदार नहीं होती है और जीवाश्म की मात्रा इसमें बहुत कम होती है। तो ये हमने देखे, कभी कभी तो क्या होता है, अच्छा ये कायंत्रित चट्टान धीरे धीरे यहाँ ऐसे कन्वर्ट होकर वो मैग्मम बदल जाती है धीरे धीरे सतह में, और फिर से ज्वालामुखी का रूप ले लेती है। सीधे सीधे अवसादी चट्टान भी मैग्मा में बदल जाती है, फिर से ज्वालामुखी का रूप ले लेती है, और इस प्रकार से फिर से आग्नेय और फिर से वो चक्र चलते रहता है। इस कंप्लीट को बोलते हैं सेल चक्र। सेल चक्र यानी कि चट्टान चक्र या सेल चक्र हम बोल सकते हैं। तो ये चीजें आपने देख ली है, हम शुरू से फिर से देख लेते हैं, चित्र में हमने समझ लिए। अब यहाँ देख लेते हैं, देखिए प्राथमिक चट्टान हमने बोले हैं किसको, आग्नेय चट्टान को, जो कि अंतर्भेदी और बहिर्भेदी होती है। तो ये देखिए लावा अगर बाहर निकल कर जम गया तो वो बहिर्भेदी, और लावा अगर अंदर ही रहकर जम गया है तो वो अंतर्भेदी कहलाता है। तो आग्नेय चट्टान हमने देख लिए अंतर, और यहाँ देखिए जो शब्द हम देख लेते हैं, इग्नियस जो कि है लैटिन शब्द है इग्नियस, जिसका अर्थ क्या होता है अग्नि यानी कि लावा से बनी हुई, सेडिमेंट्री यानी कि सेडिमेंटम जिसका अर्थ होता है स्थिर, मतलब स्थिर होती है और परतदार होती है, मेटामॉर्फिक का मतलब होता है, मेटामॉर्फिस जो है इसका मतलब रूप परिवर्तन, ये सेडिमेंट्री और आग्नेय चट्टान का अगर रूप परिवर्तन होता है तो वो मेटामॉर्फिक बन जाती है अलग अलग प्रकार से। जीवाश्म का मतलब क्या होता है, सैलों की परतों में दबे मृत पौधों एवं जंतुओं के जो अवशेष है उनको हम क्या बोलते हैं, जीवाश्म बोलते हैं। इसके अलावा अवसादी चट्टान हमने देख ली है, जो धीरे धीरे अपक्षय और अपरदन की क्रिया के पश्चात जो अवसाद है वो बह बहकर जम जाते हैं एक जगह, और उसे ही हम बोलते हैं अवसादी चट्टान। और यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए इसके कुछ उदाहरण भी है, जैसे चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाते हैं, तो ये जो होते हैं कायंत्रित चट्टान होते हैं, मतलब जो कायंत्रित चट्टान है वो अवसादी चट्टान से रूप बदल कर होती है। तो यहाँ देखिए जो लाल किला है बलुआ पत्थर से बना है, अच्छा बलुआ पत्थर किस प्रकार की चट्टान है वो आपको बताना है, और ताजमहल संगमरमर से बना सफेद, तो संगमरमर किस प्रकार की चट्टान ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके बाद हमने ये सैल चक्र देखे, ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा हमको ज्यादा है इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। तो चट्टान वाले में हमने देखे हैं पृथ्वी की तीन परतें कौन कौन सी होती है वो आपको बताना है, ठीक है, जो हमने आंतरिक संरचना पढ़ी उसमें सेल क्या होती है, और तीन प्रकार की जो सेल है उनके नाम आपको लिखना है। बहिर्भेदी और अंतर्भेदी सेल मैंने बताया, जैसे कि ये लावा है, लावा निकलकर इस प्रकार जम जाता है बाहर,
ज्वालामुखी के फॉर्म में, ठीक है। और अगर नहीं है तो अंदर ही जम जाता है, तो अंदर वाली को बोलते हैं अंतर अंतर्भेदी और बाहर वाली बोलते हैं बहिर्भेदी। तो ये हम देख सकते हैं, इसका आप उदाहरण निर्माण बता सकते हैं 2-3-4 लाइन में। सेल चक्र से आप क्या समझते हैं, सेलों के क्या उपयोग है वो आपको बताना है, और कायंत्रित सेल का कायंत्रित सेल क्या है, तो इन सभी का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 3, जो जिसमें हमने देखे हैं हमारी बदलती पृथ्वी। तो बदलती पृथ्वी मतलब वही परिवर्तन आप देख रहे हैं, बहुत सारा परिवर्तन देखने को मिल रहा है। देखिए गाड़ियों की संख्या, वाहनों की संख्या, औद्योगिक की संख्या, बहुत अधिक जो है पर्यावरण प्रदूषण करने वाले जो कारक है उनकी संख्या हमको काफी देखने को मिलती है। तो इन संख्याओं को देखते हुए हम देख सकते हैं हमारी पृथ्वी का जो एनवायरमेंट है, ग्लोबल वार्मिंग है, वो काफी बदलता हुआ हमको नजर आ रहा है। तो उसी के बारे में हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, पहले तो हम जानेंगे हमारी पृथ्वी का जो आकार था, पहले देखिए जो स्थल भाग है वो एक था, टूट टूट कर क्या हो गया, वो अलग अलग 7 महाद्वीप में आज की डेट में आप देख सकते हैं अलग अलग वो बंटकर हो गया है। तो स्थल मंडल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है, टूट कर अलग हुई है अनेक प्लेटों में, तो उसे बोलते हैं स्थल मंडली प्लेट, स्थल मंडली प्लेट जहाँ हम निवास करते हैं। और ये जो होती है एक प्रकार, देखिए कुछ बहुत अधिक वर्षों के पश्चात धीमी गति से जो है एक वर्ष में कुछ मिलीमीटर के लगभग एक जगह से दूसरी जगह वो खिसक जाती है। एक कारण क्या है, कारण है जो इसके अंदर मेंटल में पिघला हुआ ला मैग्मा है, उसके कारण उसकी गति के कारण ये प्लेट जो है एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहती है, मतलब वो आगे बढ़ते रहती है स्थल मंडली प्लेट। हमको पता नहीं चलता है कि प्लेट खिसक रही है, परंतु ये बहुत ही लंबी समय अवधि के पश्चात कुछ मिलीमीटर यहाँ पे खिसकती है। तो देखिए ये जो होते हैं, अब यहाँ पे खिसक क्यों रही है, इसमें 2 प्रकार के बल काम करते हैं। बल जो होते हैं, बल यानी कि फोर्स, 2 प्रकार के बल काम करते हैं, एक तो अंतर्जात बल होता है और एक बहिर्जात बल होता है। अंतर्जात बल देखिए हम देख सकते हैं एंडोजेनिक फोर्स जिसे हम बोलते हैं, और बहिर्जात बल को हम बहिर्जेनिक यानी कि एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। तो देखिए हम देख सकते हैं, देखिए अंतर्जात बल में आकस्मिक गति उत्पन्न करते हैं जो अंतर्जात बल होते हैं। देखिए यहाँ भूकंप, ज्वालामुखी जैसी आकस्मिक गति के कारण यहाँ पे पृथ्वी को की सतह जो उसकी अत्यधिक हानि होती है। तो हम यहाँ देखिए पृथ्वी की जो गति है उसके कारण जो 2 बल है उत्पन्न होते हैं, कौन कौन से, एक तो अंतर्जात बल एंडोजेनिक और यहाँ बहिर्जात बल यानी कि एक्सोजेनिक। तो ये हम देख सकते हैं 2 प्रकार के बल। तो अंतर्जात बल में भी 2 प्रकार है, आकस्मिक बल, आकस्मिक बल का मतलब होता है अचानक आने वाले, अचानक क्या क्या होता है, जैसे भूकंप अचानक आता है बिना सूचना के, ज्वालामुखी अचानक होता है ना, उद्गार जो होता है ज्वालामुखी का वो अचानक होता है, भूस्खलन यानी कि भूमि धंस जाती है अचानक। तो अचानक देखिए आकृति यहाँ बदल जाती है पृथ्वी की अलग अलग। भूकंप से हम देख सकते हैं, देखिए भूकंप से जो है कुछ भाग जो है धस जाता है भूकंप के कारण, या भूस्खलन हो जाता है यानी कि जो है नीचे चला जाता है कुछ भाग ऊपर उठ जाता है ज्वालामुखी के कारण। तो इससे अलग अलग आकृति आपको बनती हुई देखने को मिलती है। फिर होती है पटल विरूपणी, तो पर्वत निर्माणकारी बल, महाद्वीपीय निर्माणकारी, महादेशजनक, बहुत सारे होते हैं। तो जैसे पर्वत निर्माण कैसे होता है, तो यहाँ पर्वत निर्माण हम देख सकते हैं जब 2 प्लेट आपस में यहाँ देखिए टकराती है, तो यहाँ ऊपर उठ जाती है एक और एक नीचे चले जाती है, अभी अपनति और अभिनति। तो ये जो है एक प्रकार से ऐसे पर्वत का रूप ले लेता है प्लेट, ठीक है, ये हम देख सकते हैं। या फिर ज्वालामुखी से ये लावा निकला, लावा बहुत अधिक मात्रा में निकला और वो पर्वत का रूप धारण कर लिया उनने, ठीक। ये हो गया हमारे पर्वत निर्माणकारी बल। बहिर्जनिक बल में क्या होता है, बहिर्जनिक बल में आपको 2 चीजें देखने को मिलेगी, एक तो अपरदन होता है और एक निक्षेपण होता है, ठीक है। तो जैसे अपरदन मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए कुछ समय पश्चात जो है बाहरी क्रियाओं, मतलब पृथ्वी के अंदर जो है बहुत सारी क्रियाओं के कारण, रासायनिक क्रियाओं के कारण, भौतिक क्रियाओं के कारण क्या होता है, जो आकृति है वो धीरे 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 घिस घिस कर टुकड़े टुकड़े उसके टूट करके हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं, उसको अपक्षय बोलते हैं। परंतु वो अगर दूसरी जगह चल जाए बहकर, बहकर कैसे जाएगी, या तो पवन के द्वारा यानी वायु के द्वारा, समुद्र समीर, हिमनद या फिर नदी का बहता जल, इनके कारण वो अगर बहकर दूसरी जगह चल जाती तो वो होता है अपरदन, और ले जाकर वहां फैला दी जाती है या वहां छोड़ दी जाती है उसको बोलते हैं निक्षेपण। तो ये हम देख लीजिए 3 चीजें, अपक्षय मतलब टूट टूट कर वहीं गिरना, दूसरी जगह जाना यानी कि अपरदन, और दूसरी जगह ले जाकर छोड़ दिया जाना यानी कि निक्षेपण। 3 चीजें हो गई, और 3 चीजें जो होती है किसके अंतर्गत आती है, बहिर्जात बल के अंतर्गत आती है। इसके द्वारा भी विभिन्न प्रकार की आकृति हमको बनती हुई देखने को मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं हम स्थल मंडलीय प्लेट। स्थल मंडलीय प्लेट मैंने बताया, देखिए भूप्रपटी में अनेक बड़ी एवं छोटी जो होती है कठोर असमान जो आकार की प्लेटें होती है, जिन पर महाद्वीप और महासागर की सतह टिकी हुई है, वो कहलाती है स्थल मंडलीय प्लेट। और जो बल है वो हमने देखे 2 प्रकार के, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक, यानी कि एंडो मतलब अंतः और एक्सो मतलब बाह। तो हमने देखे हैं, देखिए जेनिक मतलब उत्पत्ति, जिनकी अंदर उत्पत्ति होती है वो एंडोजेनिक, और जिनकी बाह बाह उत्पत्ति होती है यानी बाहरी तरफ उत्पत्ति होती है उनको बहिर्जेनिक बोलते हैं।
या एक्सोजेनिक बोलते हैं। तो हमने देख लीजिए दो प्रकार के बल, और ज्वालामुखी भी हमने देखे। देखिए ज्वालामुखी जो होता है, नीचे जो मैग्मा होता है मेंटल में जो मैग्मा होता है वो मतलब किसी तरह उसका जो तापमान अधिक बढ़ता है तो दरार देखकर वो है ऊपर आ जाता है, ठीक, किसी कारणवश। तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे बोलेंगे ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी देखिए अंदर हमको मैग्मा देखने को मिलेगा, और मैग्मा नीचे जो होता है जैसे ही वो बाहर आया, तो जो मैग्मा है बाहर आने के बाद उसका नाम हो जाता है लावा। अंदर क्या था, अंदर था मैग्मा, अंदर मैग्मा था और बाहर आकर क्या हो गया है लावा, ठीक है। तो यह बदल सकते हैं, मतलब लावा को ही मैग्मा बोलते हैं और मैग्मा को ही लावा, बस स्थिति चेंज हो जाती है। तो मेंटल वाले भाग से निकलकर वो कहाँ आ गया है, भूपर्पटी के ऊपरी भाग में, तो वो क्या बन गया लावा। अब लावा किससे आता है, जिस जगह से आता है, जिस छिद्र से आता है उसे बोलते हैं क्रेटर, यानी कि जो निकल रहा है उसको बोलते हैं निकास, ठीक है, या वेंट बोल सकते हैं। और ये भूपर्पटी वाले भाग से निकल कर आता है, कहाँ से आता, मेंटल से निकल कर आता है। यहाँ देखिए मैग्मा कोस्ट जहाँ पर एकत्रित हुआ था मैग्मा, इसके साथ साथ में क्या है लावा तो निकल रहा है, लावा के साथ साथ में आपको गैसें भी देखने को मिलेगी, राख भी देखने को मिलेगी, कुछ कंकड़ पत्थर देखने को मिलेंगे, बॉम्ब वगैरह। तो ये सभी चीजें होती है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी एक ऐसा छिद्र है जहां पर पिघले हुए मेंटल के पिघले हुए पदार्थ, गैस, राख या फिर जो बॉम्ब होते हैं वो निकलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी बोलते हैं। तो ज्वालामुखी आपने देख लिया यहाँ पर। अब देखिए भूकंप के बारे में देखते हैं। भूकंप भी एक प्रकार से क्या होता है, आंतरिक क्रिया होती है। जैसे प्लेटों की स्थिति एक जगह से दूसरी जगह खिसक रही है, तो उनके घर्षण के कारण भी जो है कंपन उत्पन्न होती है। जो कंपन उत्पन्न होती है उसे ही हम बोलते हैं भूकंप। तो भूकंप आप देख सकते हैं, देखिए स्थल मंडलीय प्लेटों की जो गति है, गति करने के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। यह कंपन जो होता है पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है, ठीक है। तो इस गति को ही हम क्या बोलेंगे, जो कंपन होता है उसे भूकंप बोलेंगे। और भूकंप जहां से निकलता है उसे बोलते हैं उद्गम केंद्र। भूकंप जहां से जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे क्या बोलेंगे, उद्गम केंद्र बोलेंगे। और भूकंप कहाँ से आएगा, अंदर से, और पृथ्वी पर जिस जगह पर पहले पहुंचेगा उसे बोलेंगे अधिकेंद्र। मतलब समझ गए, जहां से उत्पन्न हुआ उसे बोलेंगे उद्गम केंद्र, और पृथ्वी पर जहां पर स्थल पर जहां पर सबसे पहले पहुंचा, जिस जगह पर सबसे पहले पहुंचा उसे बोलेंगे भूकंप का अधिकेंद्र। तो देख सकते सबसे ज्यादा यहाँ पर हानि होती है अधिकेंद्र में, क्योंकि सबसे कम दूरी पर स्थल का भाग है ये। तो देख लीजिए यहाँ पर ये भाग है, जैसे मान लीजिए भूकंप उत्पन्न हुआ है, वो उद्गम केंद्र बोलेंगे जहां से उत्पन्न हुआ है। और पृथ्वी पर सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, वो देखिए सबसे कम दूरी आपकी नजर आ रही है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे पहुंचा, तो इसलिए इसको बोला गया है अधिकेंद्र। और ये होती है प्लेट की सीमा। हम देख सकते हैं भूकंपी तरंगे इधर उधर आप दे जाती हुई दिखती हैं। तो भूकंपी तरंगे जो होती है तीन प्रकार की होती है, कौन कौन सी देख सकते हैं, पी तरंगे होती है, एस तरंगे होती है और एल तरंगे। तो पी तरंगे जो होती है अनुदैर्ध्य तरंगे बोलते हैं, उसके बाद अनुप्रस्थ तरंगे बोला जाता है, और एल तरंगे को पृष्ठीय तरंगे बोला जाता है। तो ये हमने तीन प्रकार की तरंगे देखी, अब तीनों का काम देख लेते हैं आगे। तो आगे देख लेंगे हम उसका जो है। अब देखिए भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, परंतु कुछ जो प्रभाव होते हैं उसके द्वारा हम इसमें सावधानी बरत सकते हैं। जैसे कि देखिए कुछ जो होते हैं जानवर का व्यवहार बदल जाता है, जैसे तालाब में मछलियों की उत्तेजना, सांपों का धरातल पर आना, ये अलग अलग तरीके हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि भूकंप आने वाला है। बचाव के लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, पर फिर भी देखिए सुरक्षित स्थान पर जा सकते हैं, इनसे दूर रहना चाहिए, किससे, आग से दूर रहना चाहिए, चिमनी से, जो टूट सकने वाली खिड़कियां या दरवाजे, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए, ठीक है। सुरक्षित स्थान बोले तो रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में। पहले से तैयार कैसे होना चाहिए, अपने दोस्तों एवं परिवार के सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाने और आपदा का सामना करने के लिए उनमें विश्वास जगाना, एक प्रकार से हमको रहना चाहिए। भूकंप लेखी के द्वारा भूकंप का अनुमान लगाया जाता है। देखिए भूकंप लेखी जो होता है, भूकंप के माप करने के लिए यंत्र होता है, और जो रिएक्टर स्केल है जिससे भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, जिसमें भूकंप की तीव्रता अगर 2.0 या उससे कम होती है तो उसका प्रभाव जो होता है नहीं के बराबर होता है, परंतु अगर उसकी 5.0 तक पहुंच गई है तो जो होते हैं वस्तुओं के गिरने और क्षति पहुंचने के लिए यहाँ पे हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं। परंतु जिस जगह 6.0 से अधिक है तो ये बहुत शक्तिशाली होगा, और अगर पहुंच गया वो 7.0 पे तो समझ लीजिए यहाँ पे बहुत शक्तिशाली भूकंप आया है और बहुत ज्यादा क्षति हो सकती है वहां पे, 7.0। तो ये मापा जाता है भूकंप लेखी यंत्र के द्वारा, और यहाँ पे देखिए रिएक्टर स्केल के द्वारा इसको मापा जाता है। आगे चलते हैं, मुख्य स्थलाकृति की बात करें तो मुख्य स्थलाकृति हमको देखने को मिलती है। देखिए अपक्षय और अपरदन की क्रियाओं के फलस्वरूप हमने देखे थे अभी, अलग अलग प्रकार की आकृति बनती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, ये जो है अलग अलग प्रकार से हमको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं नदी के कार्य के द्वारा बनी गई आकृति। तो नदी देखिए, नदी जो है जलप्रपात बनाती है, कैसे, जो ऊंचे वाले भाग से, यानी कि हम देख सकते हैं नदी के जल से दृश्य भूमि का अपरदन होता है। मतलब जब नदी किसी खड्डे या उससे ढाल से स्थान से होकर गुजरती है तो
अत्यधिक कठोर जो सेल होती है वो खड़ी रहती है, और जो नरम वाली है वो वहां से टूट जाती है, घिस जाती है। तो वहां से जो पानी नीचे गिरता हुआ नजर आता है उसे हम क्या बोलेंगे, जलप्रपात बोलेंगे। जलप्रपात देखिए कठोर सेल वहां पे टिकी हुई है, और जो कटे फटे जो मृदु सेल है वो वहां से टूट गई है और जल नीचे गिर रहा है। तो जो नीचे गिरने वाला भाग जल का भाग है उसे बोलेंगे जलप्रपात। और विश्व में हमको हजारों छोटे छोटे जलप्रपात देखने को मिलेंगे, जैसे दक्षिण अमेरिका का वेनेजुएला एंजल जलप्रपात, ये जो है हमको देखने को मिलेगा, सबसे ऊंचा है। उसके अलावा जलप्रपात जो है, अन्य जलप्रपात कनाडा में हमको देखने को मिलेगा, संयुक्त राज्य अमेरिका में देखने को मिलेगा, उसकी सीमा पर नियाग्रा जलप्रपात है, अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर विक्टोरिया जलप्रपात है, या अलग अलग हमको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं हम, यहाँ देखिए नदी जब बहती है, तो नदी बहती है देखिए शुरू में बहती है, देखिए मोड़ जो है भूमि की आकृति के कारण ऐसे मोड़ लेती है। तो यहाँ देखिए कुछ समय नदी यहाँ बहा करती थी, यहाँ बहा करती थी, तो ऐसे भाग होने के कारण वो सीधी सीधी, मतलब ये जो भाग है देखिए इस प्रकार से जो भाग है ये भाग भी कुछ समय जो है यहाँ से बहने लगेगा, तो ये भाग टूट जाएगा। तो जो इस प्रकार जो भाग यहाँ बच जाता है तो ये गड्ढे वाला भाग है, इसे बोलते हैं झील। और झील किस प्रकार की है, चाप झील। और ये जो इधर उधर सांप टाइप बह रहा है तो इसे हम बोलेंगे विसर्प लूप, या लूप नदी जो है इस प्रकार से हम बोल सकते हैं, विसर्प बोलते हैं। जो नदी का आकृति है ये देखिए इस प्रकार से बह रही है, इसे बोलेंगे विसर्प। तो धीरे धीरे जो है ये नदी देखिए यहाँ से कटते जाएगी, देखिए विसर्प यहाँ से, और इतना भाग आपको अलग टूट कर रह जाएगा, तो ये फिर से झील का निर्माण कर लेगा। तो हमने देखे देखिए यहाँ पे अलग अलग जो भूमि की आकृति है इसके लिए मोड़दार या फिर अलग अलग क्रम में उसको बहा जाता है। ये तटबंध है जहाँ से नदी अत्यधिक पानी में यहाँ तक बहा करती थी, और ये विसर्प है जहाँ से नदी अपनी सीमा को काट काट कर अलग कर लेती है अपने भाग को। तो ये देख लिए हमने विसर्प। आगे देखते हैं भितरिका। भितरिका यानी डिस्ट्रीब्यूटरी। जब नदी समुद्र में गिरने वाली होती है तो वो अलग अलग भागों छोटे छोटे भागों में धीमी गति हो जाती है, छोटे छोटे भागों में बढ़ जाती है। तो इस छोटे भाग में जो कटी रहती नदी इन सभी को बोलेंगे भितरिका, या हम बोल सकते हैं उसे डिस्ट्रीब्यूटरी। और बीच में देखो आपको मिट्टी का ढेर देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो इसे हम बोलते हैं डेल्टा। पंजा का डेल्टा, चापा का डेल्टा, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के डेल्टा आपको देखने को मिलेंगे। तो भितरिका आप समझ गए, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है अलग अलग मटी है, और बीच में जो भाग है उसे हमको बोलेंगे यहाँ पे डेल्टा बोलेंगे। और जो मुख्य नदी थी वो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी, खास करके देखिए समुद्र वाले भाग में हमको देखने को मिलता है इस प्रकार की स्थिति। आगे चलते हैं, कुछ समुद्र तरंग के कार्य देख लेते हैं। देखिए समुद्र में जो लहर आती है, धीरे धीरे जो चट्टान होती है, जो भी उसका किनारा भाग होता है, वो धीरे धीरे यहाँ से देखिए अपनी जगह बना लेता है। तो जो थोड़ी सी जगह बना रहा है उसे बोलेंगे समुद्री गुफा। अभी जगह इतनी बन जाती है कि चट्टान के उस साइड जो है छेद निकल जाता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं, देखिए ऊपर सिर्फ छत बचती है, छिद्र आपका उस साइड निकल गया है, तो इसे बोलेंगे तटीय मेहराब। पर धीरे धीरे ये देखिए यहाँ से कट जाएगा, ये जो है लहर के कारण इतना कट जाएगा और ये चट्टान आपकी अलग बच जाएगी, जैसे कि आपको ये नजर आ रही है अलग, तो इसे बोलेंगे स्टैक। तो आप समझ गए समुद्री गुफा, समझ गए धीरे धीरे यहाँ जगह बना लेना, अगर वो जगह ज्यादा बन जाए उस साइड निकल जाए मतलब आर पार हो जाए तो वो बन जाएगी तटीय मेहराब, और ये तटीय मेहराब इतना हो जाएगी चट्टान को ही अलग कर दे तो वो बन जाएगा स्टैक। तो ये हमने देख लिए समुद्री तरंग के कार्य, वो सारी चीज आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। हिमनद के द्वारा भी देखिए ये जो कि बह बहकर जो है एक प्रकार से देखिए हिमनद हिमोड़ बना लेता है, ये हम देख सकते हैं, ज्यादा वो नहीं है। आगे देखते हैं पवन के कार्य। तो पवन में भी देखिए जो है पवन के द्वारा भी यहाँ देखिए बालू जो रेत है वो उड़ा उड़ा कर दूसरी जगह ले जाली जाती है, और देखिए यहाँ पे बालू टिब्बा का निर्माण कर लेती है, ये हम देख सकते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए प्लेटें क्यों घूमती है वो आपको बताना, बल बताया था मैंने दो प्रकार के, देखिए बहिर्जनिक और अंतर्जात बल, तो इनके बारे में भी आपको बताना। अपरदन क्रिया क्या होती है, बाढ़कृत मैदान का निर्माण कैसे होता है, बालू टिब्बा क्या होता है, समुद्री पुलीन का निर्माण कैसे होता है, चापा झील, इनके बारे में आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो ये सारी चीज हो गई, हमने देखे हैं हमारे जो चैप्टर है कितने हो गए, तीन हो गए। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4, और इसके पहले जो है हम तीन चैप्टर तक पढ़ चुके हैं, तो जो हमारा चैप्टर है वो वायु पढ़ने वाले, हम वायु के बारे में, वायु यानी कि जो हवा होती है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में। तो वायु की मतलब, वायु का मतलब होता क्या वो हम देख लेते हैं। देखिए पृथ्वी के चारों ओर वायु की घनी चादर से मतलब जो है घिरी हुई है पृथ्वी, और इसको हम कंप्लीट रूप से क्या बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं। जैसे कि बात करें तो हमने कौन कौन सी चीजें होती है, जैसे देखे एक था हमारा स्थल मंडल, एक था हमारा वायुमंडल, हमने पढ़े थे अभी थोड़े देर पहले, उसके बाद एक था जल मंडल, और ये तीनों चीजों से मिलकर क्या बना है, ये तीनों चीजों से मिलकर बना है जैव मंडल। ठीक, आप स्थल मंडल क्या होता है, जो भूमि का भाग है वो स्थल मंडल कहलाता है, जो वायु का भाग है, जो वायु हमारे आसपास फैली हुई है पूरा वातावरण में, उसको वायुमंडल बोलते हैं,
और जलमंडल जो होता है, जो महासागरों नदियों का जल जो है उसको जलमंडल बोलते हैं। तीनों चीजों के माध्यम से क्या होता है, एक जीव को जीने योग्य जो है पर्याप्त एनवायरनमेंट मिल पाता है, तो उसे हम बोलते हैं जैव मंडल। तो वायुमंडल आप समझ गए, जो वायु होती है, वायु की जो घनी चादर हो उससे घिरी हुई जो रहती है उसे वायु वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी पर सभी जीव जीवित रहने के लिए वायु पर निर्भर होते हैं। सिंपल सी बात है, हम भी अगर हमको सांस लेना है तो हम भी वायु पर निर्भर होते हैं। सूर्य की किरणों की जो हानिकारक जो प्रभाव होता है सूर्य की किरणों का, उससे हमारी रक्षा करने का काम भी वायुमंडल का होता है। सूर्य की गर्मी से तप्त होकर जो है जल सकते हैं हम, परंतु जो वायु है उसके कारण हमारी पृथ्वी ना तो अधिक ठंडी होती है और ना ही अधिक गर्म होती है। तो वायु का बहुत महत्व है। इसके अलावा देखिए, जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है जो हम छोड़ते हैं, तो जो पौधे है होते हैं उसको एक्सेस करते हैं, परंतु पौधे रात में उल्टा काम करते हैं। देखिए, पौधे रात में क्या करते हैं, पौधे रात में ऑक्सीजन को एक्सेस करते हैं। ऑक्सीजन को क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को वो छोड़ते हैं। तो रात के समय जो अगर हम पौधों के पास में रहेंगे तो हमको जो है ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि वो भी ऑक्सीजन लेते हैं और हम भी ऑक्सीजन लेते हैं। तो देखिए, वायुमंडल में फैलकर ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी में जो विकिरित ऊष्मा है उसको पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव को पैदा करती है, इसलिए इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। तो आपके लिए क्वेश्चन में आ सकता है कभी कि ग्रीन हाउस गैस इसमें से कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और भी हो सकते हैं। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस के रूप में याद करना है, और इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता है। किंतु जब कारखाने एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तो इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान भी क्या होता है, यहाँ पे बढ़ जाता है। तो इसे भूमंडलीय तापमान या ग्लोबल वार्मिंग आपने सुना होगा। आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग काफी अधिक बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि अधिक से अधिक फैक्ट्री उद्योग आपको देखने को मिलते होंगे, गाड़ियों का धुआं। तो इसके कारण जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है एक प्रकार से वायुमंडल में अधिक हो गई है। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग आपको अधिक देखते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई जो बर्फ है वो क्या होती है, पिघलती है। तो जिससे जो नदियों का स्तर है, समुद्र का स्तर है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके अलावा जल स्तर में वृद्धि होगी तो क्या होगा, तटीय जो क्षेत्र होते हैं वहां बाढ़ की संभावना बढ़ेगी, और बाढ़ की संभावना बढ़ने के कारण वो है जो डूबते हुए नजर आएंगे यहाँ पे। इसके अलावा देखिए, दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, और इसके फलस्वरूप क्या होगा, पौधे एवं पशु भी लुप्त हो सकते हैं, मतलब हमारे भी नष्ट होने के यहाँ पे संभावना है। इसके अलावा वायुमंडल का संगठन, संगठन मतलब होता है उसका निर्माण कैसे हुआ वायुमंडल का, तो आप ये चक्र देख लीजिए यहाँ पे, देखिए ये आपको वायुमंडल दिख रहा है, तो वायुमंडल का संगठन, तो यहाँ देखिए सबसे अधिक मात्रा में आपको नाइट्रोजन नजर आ रहा है। नाइट्रोजन कितनी है, 78%, ये 78% आपको नाइट्रोजन यहाँ पे। इसके अलावा 21% जो है वो ऑक्सीजन नजर आ रही है। इसके अलावा बाकी गैस की बात कर लेते, तो यहाँ देखिए ऑर्गन जो है 0.93% आपको ऑर्गन नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य गैस की अगर बात करूं मैं, तो अन्य गैस जो है 0.04% है, और बाकी बची जो है कार्बन डाइऑक्साइड आपको नजर आती है यहाँ पर 0.03%। तो इस प्रकार ये टोटल मिलाकर बात करा जाए तो टोटल 100% हमारे जो वायुमंडल की जो गैसें हैं उनमें से हमने देखे अलग अलग प्रकार से। तो ये एक प्रकार का वायुमंडल का संगठन, तो यही आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखिए, जो पौधे होते हैं वो सीधे हम देख सकते हैं, यहाँ देखिए नाइट्रोजन की मात्रा बहुत अधिक है जो हमारी वायुमंडल है। जब हम सांस लेते हैं तब फेफड़ों में कुछ नाइट्रोजन भी ले लेते हैं और उसे फिर बाहर निकाल देते हैं, परंतु पौधे अपने जीवन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है यहाँ पर, तो वो सीधे वायुमंडल से नहीं ले पाते। तो क्या करते हैं, मृदा यानी कि जो मिट्टी होती है उसमें कुछ पौधों की जड़ों में रहने वाले जो जीवाणु होते हैं वो वायु से नाइट्रोजन लेकर उसका रूप बदल देते हैं और पौधे इसका प्रयोग कर लेते हैं। मतलब पौधे नाइट्रोजन सीधे ले सकते क्या, नहीं ले सकते। तो जो जीवाणु होते हैं मृदा में जो पाए जाते हैं वो पौधों को कन्वर्ट करके देते हैं, यानी कि बदल कर देते हैं नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन वायु में प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस है। मनुष्य तथा पशु, मतलब मनुष्य तथा मनुष्य यानी हम, और पशु यानी कि जो जानवर होते हैं वो ऑक्सीजन को प्राप्त करते हैं सांस के रूप में, और हरे जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन एक्सेस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक्सेस करते हैं, और उसको परिवर्तित करके क्या करते हैं यहाँ पर, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, और ऑक्सीजन हम एक्सेस करते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा समान बनी रहती है यहाँ पर, इस प्रकार हम देखा जाए तो, और यदि हम वृक्ष काटते हैं तो इसका संतुलन बिगड़ता है। तो आप कोशिश करिए, वृक्ष काटने का काम तो आपको बिल्कुल नहीं करना है, साथ में आपको जो है एक पौधा प्रत्येक वर्ष लगाना है, और उसको बड़ा होते हुए, मतलब बड़ा होते तक उसकी रक्षा करना है, यानी कि पेड़ बनते तक। तो आपको इस प्रकार से काम करते रहना, मतलब हर एक व्यक्ति अगर एक प्रयास करेगा तो
जितने भी हमारे पर्यावरण में नुकसान हो रहा पेड़ पौधों का, वो एक प्रकार से सुधरता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड जो अन्य महत्वपूर्ण गैस है, हम देख सकते हैं, क्योंकि हरे जो पादप होते हैं, पेड़ पौधे होते हैं, वो अपने भोजन के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेस करते हैं और ऑक्सीजन वापस देते हैं। या हमने देख लिए, पशु कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, मनुष्य भी निकालते हैं, और मनुष्य तथा पशु द्वारा जो बाहर छोड़ी जाने वाली कार्बन डाइऑक्साइड है, उसकी मात्रा जो होती है पादपों यानी जो पौधे होते हैं उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाली गैस के बराबर होती है। अब सिंपल सी बात है, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी तो ये संतुलन यहाँ पे बना, मतलब बना नहीं रहेगा, बिगड़ जाएगा। ये जो कोयला है, खनिज तेल, ईंधन, इनको जलाने से जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है उसकी मात्रा अधिक बढ़ जाती है, तो इसके कारण जो है ग्लोबल वार्मिंग अधिक हो जाती है, बढ़ जाती है। जब वायुमंडल में देखिए, जब वायु गर्म होती है तो फैलती है और हल्की होकर ऊपर उठती है, ठंडी हवा सघन और भारी होती है इसलिए वो नीचे रहती है। प्रवृत्ति, गर्म वायु के ऊपर उठने पर जो आसपास के क्षेत्र में ठंडी वायु रिक्त स्थान पर भर जाती है। इस प्रकार जो है वायु चक्र चलता रहता है। कैसे हम देख सकते हैं, देखिए मान लीजिए ये क्षेत्र है, यहाँ पर गर्म वायु है, तो गर्म वायु क्या होगी, ऊपर उठेगी, ऊपर उठ जाएगी, ये ऊपर उठ गई तो ये क्षेत्र क्या हो जाएगा, खाली। परंतु इसके साइड में जो है ठंडा क्षेत्र है, जहां पर वायु क्या है एक प्रकार से ठंडी है या भारी है, तो वो कहाँ चली जाएगी, ये रिक्त स्थान को भरने के लिए चली जाएगी। अब यहाँ पे खाली हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो है सघन, मतलब एक प्रकार से वर्षा के रूप में या जैसे भी हम देख सकते हैं, ये चक्र चलते रहता है एक प्रकार से। ठंडी वायु ऊपर उठती है, गर्म आती है, फिर वो इधर आकर क्या करती है, ठंडी हो जाती है, फिर वो इधर आ जाती है, तो इस प्रकार से ये वायु चक्र चलता रहता है। वायुमंडल की संरचना हम देख सकते हैं, देखिए संगठन हमने देख लिए थे, जो गैसें होती है, आप संरचना देखते हैं, तो संरचना में हमको पांच चीजें मुख्य रूप से देखने को मिलेगी। तो यहाँ हम देख सकते हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्य मंडल है, महामंडल है और बहिर्मंडल है। बहिर्मंडल की सीमा तो हमको पता नहीं है, महामंडल तक हम देखेंगे, मतलब क्षोभ मंडल सबसे नीचे वाला होता है, उसके ऊपर समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल होता है, महामंडल होता है और फिर बहिर्मंडल। तो हम इससे हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए सबसे नीचे जो होता है हमारी जो भूपर्पटी है, मतलब भूपर्पटी हम बोल सकते हैं जो स्थल मंडल है, स्थल मंडल से ऊपर तक जो एक लिमिट हम देखें तो लगभग 8 किलोमीटर से 18 किलोमीटर हम बोल सकते हैं, लगभग अलग अलग वैल्यू हो सकती है, आप टेंशन नहीं लेना इसके लिए। तो देखिए जो पर्वत पठार है यहाँ पर हम देख सकते हैं, देखिए क्षोभ सीमा कहलाती है, ये सारी क्षोभ मंडल कहलाता है। इसके अलावा क्षोभ मंडल के जस्ट ऊपर गए हम तो समताप मंडल है, और समताप मंडल में ही कहीं बीच में ओजोन परत है, तो ओजोन परत क्या करती है, यूवी अल्ट्रावायलेट जो पराबैंगनी किरणें आती है उसको यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने का काम करती है, मतलब हमारे शरीर में वो घातक होती है, सूर्य की जो किरण होती है उसको रोकता है। और समताप मंडल में ही एक यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तूफान आते हैं, क्षोभ मंडल में अधिकतर तूफान आपको देखने को मिलेंगे, हवा बादल सारी चीज हमको यहाँ देखने को मिलेगी, परंतु हवाई जहाज जहाँ उड़ते हैं जैसे समताप मंडल, यहाँ पे आपको तूफान या हवा की स्थिति यहाँ पे गड़बड़ाती हुई नजर नहीं आएगी, यहाँ पे हवाई जहाज प्लेन वगैरह उड़ते हैं, तो इसलिए यहाँ पे समताप सीमा या जो है समताप सीमा और क्षोभ सीमा के बीच में यहाँ समताप मंडल होता है। फिर बात करें मध्य मंडल की, तो ये जो होता है समताप मंडल के ऊपर हम देख सकते हैं, देखिए मध्य मंडल होता है और इसके जस्ट ऊपर होता है, हम यहाँ देख सकते हैं आयन मंडल भी होता है, कहाँ पे, मध्य मंडल के ऊपर आयन मंडल भी होता है, वायुमंडल जिसे हम बोलते हैं। आयन मंडल क्या करता है, जैसे जो रेडियोस होते हैं, रेडियो स्टेशन होते हैं, जो सैटेलाइट होते हैं, रेडियो तरंगे होती है, वो सब यहीं पे रहते हैं, और वायुमंडल इसके बाद वाला होता है। चलिए एक एक करके हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। यहाँ पर क्षोभ मंडल जो होता है वायुमंडल, देखिए वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत है और इसकी औसत औसत ऊंचाई हम देखें तो 13 किलोमीटर है। इसी मंडल में मौजूद वायु में हम सांस लेते हैं, लगभग सभी घटनाएं जैसे कि वर्षा है, कोहरा है, ओला वर्षण है, ये सभी कहाँ पे देखने की मिलेगी हमको, ये पहले मंडल में यानी कि क्षोभ मंडल में। फिर सेकंड क्या देखें हमने, समताप मंडल, तो समताप मंडल जो है लगभग 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई में बना हुआ रहता है, और यहाँ पे देखिए बादल, मौसम संबंधी घटनाएं ये सभी से ये मुक्त होता है, और इसके फलस्वरूप यहाँ की जो परिस्थिति होती है, हवा हवाई जहाज उड़ाने की आदर्श स्थिति एक प्रकार से हम देखने मिल सकती है। यहाँ पे महत्वपूर्ण विशेषता है कि ओजोन गैस भी यहीं पे होती है जो हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल क्या देखे थे हमने, देखिए 80 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक रहता है, समताप मंडल के ठीक ऊपर होता है, और यहाँ देखिए अंतरिक्ष के प्रवेश करने वाले जो पिंड होते हैं, उल्का पिंड, इस परत में आने पर जल जाते हैं मध्य मंडल में। और वायुमंडल क्या होता है, वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई तथा साथ में तापमान अत्यधिक तीव्रता से बढ़ता है, और आयन मंडल इस जो परत का भाग होता है, आयन मंडल जैसे कि मैंने बताया रेडियो तरंगे यहाँ पे जैसे 80 से 400 किलोमीटर तक यहाँ पे जो स्टेशन यहाँ पे रेडियो स्टेशन होते एक प्रकार से सैटेलाइट
सैटेलाइट होती है, रेडियो तरंगे यहीं पे संचार होती है। और वायुमंडल जो होती है, बाहिर्मंडल, वही वायुमंडल की सबसे बाहर की जो परत होती है, मतलब एक प्रकार से जिसकी कोई सीमा नहीं होती है, वायु की परत होती है। और हल्की गैसें तथा हीलियम एवं हाइड्रोजन से यह अंतरिक्ष में तैरते रहती है। अब बात करते हैं मौसम और जलवायु की, तो आप सिंपल वे में समझ सकते हैं, जैसे दिन प्रतिदिन जो परिवर्तित होता है थोड़े समय के लिए, जो जलवायु में मतलब एक प्रकार से हम मौसम में परिवर्तित होता है, या जो भी जैसे हम वर्षा हो गई, तापमान बढ़ गया है, धूप तप गई, ये जो परिवर्तन हो रहा है उसे हम बोलेंगे मौसम। परंतु बहुत सारे वर्षों का जो मौसम का औसत जो निकाला जाता है, औसत मौसम होता है, उसे हम बोलेंगे जलवायु। तो हम सिंपल बोल सकते हैं ये जो है शॉर्ट टर्म के लिए, मतलब कम समय के लिए, और ये जो है लंबे समय के लिए। तो हम देख सकते, देखिए मौसम नॉर्मली क्या होता है, कम समय के लिए यूज होता है, परंतु जलवायु जो होता है किसी स्थान का औसत मौसम या उस स्थान की जलवायु को यहाँ पे बताता है दीर्घ काल का। तो आपको याद रखना है दोनों का। इसके अलावा तापमान हम देख सकते, देखिए तापमान क्या होता है, तापमान का अनुभव यहाँ देखो दिन प्रतिदिन हम करते हैं, तो तापमान के लिए तापमापी यूज होता है, जो तापमान मापता है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। इसके अलावा वर्षा मापन के लिए वर्षा मापी यूज होता है। और यहाँ पे बात दिग्दर्शी जो है, तो पवन की दिशा मापता है, इस प्रकार आप देख सकते हैं। यहाँ पे वायु दाब मापी क्या करता है, वायु दाब को मापता है। तो ये चीजें हो गई। ये आतपन क्या होता है, देखिए आतपन जो होता है एक महत्वपूर्ण कारक है, तापमान के वितरण को प्रभावित करता है, और सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है जिसे पृथ्वी पर ये रोक लेता है, तो ये आतपन कहलाता है। और यहाँ हम तापमान देख चुके हैं, तापमान जो होता है देखिए वायु में मौजूद ताप एवं से जो शीतलता है उसके परिणाम को, परिमाण को तापमान कहते हैं। इसके अलावा देखिए आतपन जो होता है, सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती जाती है, इसलिए तापमान उसी प्रकार घटता जाता है। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जो ध्रुव है वो बर्फ से ढके हुए है, क्यों? तो यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाता है तो ये जो होती है इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग पाएगी। और गांव की अपेक्षा नगरों का तापमान अधिक क्यों होता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, जो तापमान मतलब एक प्रकार से यहाँ देखिए हवा पास नहीं होती है। और यहाँ देखिए दिन के समय में एसोफेल्ट से बनी जो सड़कें होती है वो काफी यहाँ पे गर्मी को एक्सेस कर पाती है, मतलब गर्मी को एक्सेस कर लेती है और बहुत गर्म हो जाती है। और नगर में जो होता है, जैसे देखिए गांव की अपेक्षा नगर जो होते हैं ऊंचे भवन होते हैं, गर्म वायु को रोक लेते हैं, भीड़ ज्यादा होती है, तो इसी कारण यहाँ पे तापमान हमको अधिक बढ़ता हुआ नजर आता है। तापमान को मापने का जो मानक होता है डिग्री सेल्सियस होता है, और इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था। तो ये भी आपको याद रखना, वन लाइनर क्वेश्चन में या फिर एमसीक्यूज में आपको पूछ सकता है। इसके अलावा हम देख सकते, देखिए सेल्सियस पैमाने पर जो जल होता है वो 0 डिग्री होता है तो वो जम जाता है, यानी कि बर्फ जम जाती है, और अगर 100 डिग्री हो जाता है तो ये उबलने लगता है। तो ये भी आपको याद रखना है। वायु दाब किसे बोलते हैं, वायु दाब का मतलब क्या होता है, देखिए पृथ्वी की सतह पर जो वायु के भार होता है, वायु के भार द्वारा जो लगाया गया दाब होता है उसे वायु दाब कहते हैं। तो क्या बोला गया है, पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो दाब होता है वो वायु दाब कहलाता है। और वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरता है, समुद्र स्तर पर वायु दाब सर्वाधिक होता है, ऊंचाई पर जाने पर यह घट जाता है, ठीक है। और कम तापमान वाले जो क्षेत्र है वहां की वायु ठंडी होती है, हमने देखे हैं, और जहां का तापमान अधिक होता है वहां की वायु गर्म होती है, मतलब एक प्रकार से हम देखें तो गर्म वायु हल्की हो जाती है और ऊपर उठ जाती है, और ठंडी वायु भारी हो जाती है और नीचे बैठ जाती है, और ये खाली स्थान को भरने का काम करती है। इस प्रकार से वायु चक्र हमने देखा था अभी थोड़ी देर पहले। और ये देखिए वायु सदैव उच्च दाब से निम्न दाब, मतलब ये उच्च दाब से निम्न दाब की ओर दौड़ती है, ये भागती है। पवन, पवन क्या होता है, उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर चलने वाली जो वायु होती है उसकी गति को क्या बोलते हैं, पवन। तो वायु अलग है और पवन अलग है, पवन मतलब बहाव हम बोल सकते हैं, मतलब उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब तरफ आने वाली जो वायु होती है उसे पवन कहते हैं। और यहाँ देखिए जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तथा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है, कभी कभी ये देखिए पवन धीरे बहती है। और यहाँ देखिए धूल के जो कण होते हैं, धुएं, ये इसको उड़ाते हुए हमने देखे हैं कभी कभी, कि जो है पवन इसको भी उड़ाकर ले जाती है। पवन का जो नाम होता है उसके आने के दिशा के आधार पर किया जाता है, जैसे कि पश्चिम से आने वाली पवनों को हम क्या बोलते हैं, पछुआ पवन। तो हम इसके बारे में देख लेते हैं यहाँ देखिए विस्तार से। तो स्थायी पवने जो होती है, देखिए कुछ स्थायी पवने होती है, कुछ मौसमी पवने होती है, कुछ देखिए यहाँ पे जो होती है, यहाँ देखिए स्थायी पवने के बारे में बताया गया। तो देखिए लगातार ये वर्ष में निश्चित रहती है, तो निश्चित कैसे रहती है, देखिए यहाँ देखिए ये हो गया हमारा पूरा ग्लोब, और ग्लोब में हो गई भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा आपको पता है यहाँ सूर्य सीधा रहता है वर्ष भर, यहाँ पे
तो यहाँ देखिए, यहाँ भयंकर जो गर्मी है, गर्मी पड़ती है, वर्षा होती है, तो यहाँ की हवा जो होती है, मतलब जो यहाँ की वायु उड़कर कहाँ जाती है, इधर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? इधर की तरफ। तो सिंपल से बात, नीचे अब जाएगी ना, ये देखिए नीचे चली गई, तो यहाँ का क्षेत्र खाली खाली हो गया। तो यहाँ जो वायु थी वो किधर आएगी? ये इधर आ जाएगी, ये आ रही है, देखिए इधर आ रही है, और यहाँ की वायु कैसी होगी? इधर जाएगी, मतलब खाली क्षेत्र को भरने का काम करेगी। इसके अलावा देखिए, यहाँ पे जो होता है क्या है, ये वायु को यहाँ पे, यहाँ से वायु हल्के होकर इधर जा रही है, और यहाँ से वायु हल्के होकर इधर जा रही है। तो सिंपल सी बात, ऊपर वाला जो है आर्कटिक ध्रुव, तो वहां से भी वायु हल्के होकर कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। ये देखिए इधर की वायु हल्के होकर कहाँ आ गई? ये वाली जगह में। तो ये वाली जगह भी खाली हो गई ना, तो यहाँ देखिए यहाँ वाली वायु इधर आ रही है और यहाँ वाली वायु इधर आ रही है। तो सिंपल सी बात है, ये वाली जो वायु है इधर भी जाएगी, क्योंकि ये वाला क्षेत्र भी खाली हो गया। देखिए ये वाला क्षेत्र भी खाली हो गया, ये देखिए अब यहाँ देखिए। अब इसके अलावा देखिए, यहाँ की वायु उड़कर इधर आ रही थी तो वो इधर भी जाएगी। ये देखिए यहाँ की वायु इधर उड़कर इधर भी जाएगी, तो यहाँ पर दबाव पड़ेगा ना, यहाँ का क्षेत्र खाली होगा, तो ये वाली वायु इधर चलेगी, ये देखिए, और ये वाली वायु इधर चलेगी। तो हमने देखे क्या है, भूमध्य सागर में अधिक तापमान होने के कारण वो वायु क्या होती है, इधर चली जाती है, और इधर की वायु भी यहाँ पे देखिए चक्र चलते रहते इधर आ जाती है। तो इधर ये वायु आ जाने के कारण ये वाली वायु इधर चली जाती है और ये वाली इधर चली जाती है। तो यहाँ देखिए, जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो वायु है उसे बोलते हैं व्यापारिक पवने। ये देखिए उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवने और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवने, और जस्ट ऊपर और जस्ट यहाँ नीचे वाली जो पवने होती है उन्हें बोलते हैं, देखिए पश्चिम की तरफ चल रही है, देखिए ये होती है पछुआ पवने, जैसे कि अभी मैंने पीछे बात किया पछुआ पवने। उसके अलावा ये जो पवने है देखिए ध्रुव की तरफ से इधर आ रही है, देखिए ध्रुव की तरफ से, इनको बोलते हैं ध्रुवी पवन। और यहाँ देखिए ध्रुवी पवन यहाँ पे आती है, देखिए ऊपर की तरफ जो है अधिक स्थल वाला क्षेत्र है और नीचे की तरफ अधिक समुद्र वाला क्षेत्र है। तो समुद्र वाले क्षेत्र में देखिए ये पवन नीचे जा रही है और ये पवन ऊपर आ रही है, दोनों के कारण यहाँ पे वाताग्र उत्पन्न होगा। तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ सुनामी चक्रवात काफी अधिक देखने को मिलता है नीचे वाले सेक्शन में, यानी कि हिंद महासागर के नीचे साइड जो है आपको सुनामी बहुत अधिक देखने को मिलेगी। तो यहाँ देखिए पवनों के बारे में जाने, देखिए स्थायी पवने होती है, मौसमी पवने होती है, स्थानीय पवने होती है। तो देखिए स्थायी पवने जो होती है वर्ष भर लगातार निश्चित चलते रहती है, मतलब जो व्यापारिक पवने, और ये जो है मौसमी पवने की दिशा बदलते रहती है, जैसे कि भारत में मानसूनी पवने। और स्थानीय पवने जो होती है वो जो होती है स्थल एवं समुद्र समीर, यानी कि दिन के समय अलग होता है, रात के समय अलग होता है, जो गर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लू बोलते हैं। इसके अलावा चक्रवात क्या होता है? चक्रवात का मतलब होता है कम दबाव वाले केंद्र, जैसे कि मैंने अभी बात किया हूँ, देखिए ये देखिए यहाँ से वायु इधर आ रही है और यहाँ से वायु इधर आती है, ठीक है? तो कम दबाव वाला क्षेत्र जो है इसके आसपास वायु घूमने लगती है, वायु घूमने के कारण क्या होता है, ये पानी आसपास घूमने लगता है। तो जो निम्न वायु दाब क्षेत्र बन जाता है जहां पर पानी आसपास घूमने लगता है, जिसे हम बीच में आग बोलते हैं चक्रवात की, तो ये चक्रवात कहलाता है। देखिए कम दबाव वाले केंद्र के आसपास गोल गोल घूमने वाले तूफान को क्या बोलते हैं? साइक्लोन या चक्रवात के नाम से जाना जाता है। और जो बीच में कम दबाव वाला क्षेत्र उसे क्या बोलेंगे? आग के रूप में जाना जाता है। और इसकी ये जो आसपास घूम रहा है ये वाली, ये भुजाएं कहलाती है आसपास। तो ये हम समझ गए चक्रवात क्या होता है। चक्रवात ये देखिए ये आंख हो गई इसकी, और ये आसपास देखिए आसपास आपको पानी घूमता हुआ नजर आ रहा है, ये कम वायु दाब वाला क्षेत्र है और आसपास पानी आपको घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो ये कहलाएगा चक्रवात या साइक्लोन बोलते हैं आप। अच्छा साइक्लोन को हर एक अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो आपके लिए क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया वाले भाग में, इसके अलावा जापान वाले भाग में, और जो अमेरिका वाला भाग है तो उसके आसपास जो है चक्रवात को किस नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है आंसर। इसके अलावा देखिए चक्रवात के प्राकृतिक आवेश की बात करें, तो देखिए यहाँ देखिए अभी जो है, मतलब ये घटना है जो आई थी 17 से 18 अक्टूबर 1999 को, 5 जिलों को इसने प्रभावित किया था, किसके? उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में जो उठना वाला है। तो 19 अक्टूबर को एक अन्य महाचक्रवात भी आया था, तो यहाँ आप देख सकते हैं, उदाहरण आप दे सकते हैं, कभी आप लिखना चाहो मेंस में तो ये एग्जाम्पल आप दे सकते हैं चक्रवात के लिए। इसके अलावा देखिए 25 अक्टूबर को पूर्वी जो पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार और उसके निकट थाईलैंड की जो खाड़ी है वहां पे अवदाब के कारण यहाँ चक्रवात उत्पन्न हुआ था। इसके अलावा देखिए यहाँ जो भुवनेश्वर है यानी कि उड़ीसा की राजधानी, महाचक्रवात यहाँ 28 तटीय जो उड़ीसा के क्षेत्र है उनको बर्बाद किया था इनने, और 1,30,000 मतलब 130 लाख लोग यहाँ पे प्रभावित हुए थे। पारादीप जो कि एक बंदरगाह है, कोणार्क ये उड़ीसा में हम देख सकते हैं, इसके जो मैंग्रोव जंगल है वो भी यहाँ पे लुप्त हो गए थे चक्रवात के कारण। इसके अलावा हम देख सकते हैं आर्द्रता, तो आर्द्रता होती क्या है? जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से बाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है, और वायु में किसी भी समय जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं।
अब आर्द्रता जो होती है अगर बादल झेल नहीं पाता है तो वो नीचे गिरा देता है, और नीचे गिराने वाली जो है उसको हम बोलते हैं वर्षण, यानी कि वर्षा बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ देखिए, आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफी समय लगते हैं और एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता है और हम असहज महसूस करते हैं। देखिए, जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है और जल वाष्प संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंदे बनाता है। बादल इन्हीं जल बूंदों का एक समूह है और ये इतना भारी हो जाता है कि ये क्या हो जाता है, तैर ना सके यहाँ बादल में, तो वो नीचे गिरा देता है, वर्षण कहते हैं। तो यहाँ देखिए चक्रवाती वर्षा होती है। यहाँ देखिए गर्म वायु ऊपर उठ गई, ठंडी वायु इधर चली गई, गर्म वायु ऊपर उठकर बादल बना दी और बादल बनाकर वो देखिए जलवाष्प जो है जल की बूंदे बनकर तैरने लगता है और तैरते हुए संभल नहीं पाता है तो नीचे गिरा देता है। चक्रवाती वर्षा, पर्वतीय वर्षा क्या होती है, देखिए यहाँ की वायु जो होती है गर्म होकर यहाँ उठ जाती है और ठंडी वायु ऊपर जाती है, ठंडी वायु यहाँ चली जाती है और ये गर्म वायु जो ऊपर उठकर है आर्द्रता मतलब एक प्रकार से वाष्प बन जाती है और यहाँ से वर्षा कराती है, पर्वतीय वर्षा कहलाती है। इसके अलावा संवहनी वर्षा क्या होती है, देखिए संवहनी वर्षा जो होती है जो गर्म वायु ऊपर उठ जाती है और फिर वो वापस जो है संवहन के कारण वापस वो वर्षा कराती है, तो ये संवहनी वर्षा वर्षा के प्रकार के रूप में आते हैं। तो तीन प्रकार की वर्षा देखिए, संवहनी वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवाती वर्षा। देखिए आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज को अपने पीछे सफेद तथा चिन्ह सफेद पथ पर जो चिन्ह छोड़ते हैं, इनके इंजनों से निकला नमी जो संघनित हो जाती है, ये भी हम देख सकते हैं। वायु के गतिमान न रहने की स्थिति में संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देती है, मतलब जब तक वहां से देखिए रॉकेट जैसे जाता है तो उसके पीछे जो वायु छोड़ी गई है वो भी एक प्रकार से देखिए रुकी हुई नजर आती है वहां पर एक पथ के रूप में, और पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला जो भाग है उसे हम बोलते हैं वर्षा या वर्षण बोलते हैं। ठीक है, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण भी बनता है। अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, तो आप क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वायुमंडल क्या है, तो आपको बताना है एक दो लाइन में, आप डेफिनेशन लिखकर बता सकते हैं। वायुमंडल एक अधिकतर जो वायुमंडल का अधिकतर भाग किन दो गैसों से बना हुआ है, तो ये हमने संगठन के रूप में देखा था। इसके अलावा वायुमंडल में कौन कौन सी गैस हरित गैस ग्रह जो है प्रभाव पैदा करती है, तो ये भी कौन कौन से जो मतलब ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, तो ये आपको बताना है। मौसम किसे कहते हैं, वर्षा के तीन प्रकार आपको लिखना है अभी जो पढ़े हमने, और वायुदाब क्या होता है। अब यहाँ देखते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर। चलिए अब देखते हैं चैप्टर नंबर 5, और इसमें हम देखने वाले हैं जल के बारे में, जल यानी कि वाटर। तो जल होता क्या है, देखिए आपको सबको पता होगा कि जल होता क्या है, तो जो सूर्य ताप के कारण जल वाष्पित होता हो जाता है, ठंडा होने पर जल जल वाष्प जो है संघनित होकर बादलों का रूप ले लेता है, फिर उसके बाद यह वर्षा हिम अथवा जो सहिम है वृष्टि के रूप में धरती पर नीचे गिरता है। तो जल जो होता है एक प्रकार से चक्र चलते रहता है, यानी कि जल जो है वर्षा के द्वारा नीचे गिरता है, फिर उसके बाद वो गर्म होकर फिर वाष्प के रूप में ऊपर जाता है और फिर संघनित होकर जो है आर्द्रता यानी कि जो बादल बनते हैं, बादल जो है पानी को मतलब आर्द्रता को झेल नहीं पाते हैं और झेलने के नहीं पाने के कारण वो नीचे गिरा देते हैं। ये चक्र चलते रहता है एक प्रकार से। तो यहाँ देखिए आप देख भी सकते हैं, समुद्र का पानी वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर जा रहा है, संघनन हो रहा है, संघनन के कारण यहाँ बादल देखिए वर्षा को मतलब आर्द्रता को संभाल नहीं पा रहा है और वो वर्षण हो रहा है, वर्षण होने के पश्चात देखिए जो है बहाव के रूप में फिर से वो समुद्र में चला जा रहा है। तो इस प्रकार ये चक्र चलते रहता है, यहाँ आप देख सकते हैं देखिए जल चक्र कहलाता है। और यहाँ देखिए जल का प्रयोग आज हम जो है देखिए जो हरियाणा है हमारा भारत का स्टेट, वहाँ पर खेत में सिंचाई के लिए कर रहे हैं। यहाँ देखिए सैकड़ों वर्ष पहले अमेजन नदी में ये बहता था, मतलब ऐसा हो सकता है जो जल हम आज की डेट में यहाँ प्रयोग कर रहे हैं वो शायद और कहीं रहा होगा। तो हम ऐसा नहीं बोल सकते कि हमेशा जो जल है वो यहीं रहेगा, वो वर्षा के द्वारा गिर जाएगा और कहीं चला जाएगा, मतलब पूरी पृथ्वी में वो कहीं भी घूम रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार जल चक्र से जो जल है वो एक जगह मौजूद नहीं है। महासागरों एवं समुद्रों का जो जल है लवणीय होता है, क्यों, क्योंकि वहाँ देखिए खारापन अधिक होता है, इसमें अधिकांशतः नमक सोडियम क्लोराइड या खाने में उपयोग किया जाने वाला नमक होता है एक प्रकार से, ये आप देख सकते हैं। देखिए जल अगर बात करें हम तो देखिए जो स्थल भाग है जैसे ये हो गया हमारा एशिया, सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, यहाँ हम देख सकते हैं देखिए उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इसके अलावा आप देख सकते हैं देखिए ऑस्ट्रेलिया, ये है यहाँ यूरोप आप देख सकते हैं, इतना भाग एशिया से अलग होकर बना है।
तो ये सब स्थल भागों को अगर छोड़ दिया जाए तो देखिए, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिण अटलांटिक, हिंद महासागर, और ये प्रशांत महासागर का ही भाग है, दक्षिणी महासागर है, आर्कटिक सागर है, ये सभी जो है ये जल के भाग है। ठीक है, यहाँ आपको जल देखने को मिलेगा यानी कि समुद्र देखने को मिलेगा, महासागर। इसके अलावा यहाँ देख सकते हैं, देखिए महासागरों में जो जल है टोटल मात्रा में कितना है, 97.3% है। बर्फ की मात्रा में अगर देखे तो 0.2%। इसके अलावा भूमिगत जल जो है कितना है, 0.00, यहाँ देखिए 0.68, झीलों में जो है 0.009। इसके अलावा यहाँ हम देखिए स्थलीय समुद्र एवं नमकीन जो झीलें हैं 0.009, यहाँ वायुमंडल में 0.0019, इसके अलावा नदियों में जो है 0.0001। इस प्रकार टोटल मिलाकर आपका 100% बन जाता है टोटल जल का परसेंट। इसके अलावा महासागरीय परिसंचरण की अगर बात करें तो देखिए, समुद्री तट पर नंगे पैर चलने से कुछ जादुई सी अनुभूति होती है। आपने चला होगा, देखिए ये कुछ रेतीली वाली जगह है, मतलब समुद्र तट या नदी के तट पर तो चला होगा, तो अजीब सा मतलब एक प्रकार से गुदगुदी टाइप की लगती है। ठीक है, पुलिन पर नम जो बालू होती है, ठंडी पवन, समुद्री पक्षी, वायु में लवणीय गंध एवं लहरों का संगीत, कुछ जो होता है अलग ही प्रकार का यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। यहाँ देखिए तरंगे जो है, जो एक प्रकार से महासागर की जो गति है वो एक प्रकार से वर्गीकृत कैसे कैसे की जा सकती है, तरंगों के रूप में, ज्वारभाटा के रूप में और धाराओं के रूप में। इसके अलावा जल की मैं बात करूं तो जो जल दिवस है, विश्व जल दिवस जो होता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। अब आपके लिए क्वेश्चन है, जो विश्व पृथ्वी दिवस है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको राइट आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। इसके अलावा तरंगों की बात करें तो देखिए, जब समुद्री सतह पर पवन बहती है तब वे तरंगे उत्पन्न होती है, और जितनी ही तेज पवन बहती है उतनी तरंगे यहाँ पे उत्पन्न होती है। तो देखिए ये तरंगे आप देख सकते हैं, कभी कभी ये जो होती है किनारे, जो तटीय भाग है उसको भी नुकसान पहुंचा देती है, जो हमारे भारत है या अन्य क्षेत्र है। इसके अलावा हम देख सकते, देखिए जब महासागरीय सतह पर लगातार, मतलब जल लगातार ऊपर उठता है, गिरता है, तो इनको भी हम तरंगे बोल सकते हैं। तूफान में तेज वायु चलने पर विशाल तरंगे उत्पन्न होती है, देखिए इनकी ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है, देखिए यहाँ पर देख सकते हैं 15 मीटर की ऊंचाई वाली विशाल तरंगे उठ जाती है, तो इसे सुनामी कहा जाता है। और 150 मीटर मापा गया यहाँ देखिए, अब तक की विशाल जो सुनामी उसको 150 मीटर, यानी कि 15 मीटर से स्टार्ट हो जाती है सुनामी और 150 मीटर तक अब तक आपा गया है, मापा गया है। और यहाँ देखिए 700 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ये चलती है, प्रति घंटे से अधिक की गति से चलती है। 2004 में सुनामी आई थी जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इंदिरा पॉइंट, ये काफी जो है डूब गया था। यहाँ देखिए सुनामी का मतलब क्या होता है, पोताश्रय, पोताश्रय यानी कि मतलब होता है जो गोदी होती है, गोदी यानी कि बंदर कहाँ जा जहाँ रुकते हैं आकर, जो गोदी होती है यानी कि जो पोताश्रय होते हैं उसकी तरंगे जो होती है उनको नष्ट करने वाली जो तरंगे होती है उसको बोलते हैं सुनामी। ठीक है, इसके अलावा सुनामी जो होती है पृथ्वी का यहाँ पे तांडव हम देख सकते हैं, देखिए कब कब, यहाँ 2004 में सुनामी आई थी, अभी हमने देखे हिंद महासागर में सुनामी की तरंगे, तो यहाँ देखिए सुमात्रा जो इंडोनेशिया है, सुमात्रा द्वीप, यहाँ पे उसको काफी यहाँ पे नुकसान पहुंचाई थी। और यहाँ देखिए रिएक्टर पैमाने में 9.0 मापी गई थी। यहाँ देखिए भारतीय बर्मा प्लेट, बर्मा प्लेट यानी म्यांमार आज की डेट में, तो ये नीचे धंस गई और समुद्री तल में आकस्मिक गति उत्पन्न हुई और इसी के कारण यहाँ पे भूकंप उत्पन्न हुआ। महासागरीय तल लगभग 10 से 20 मीटर तक विस्थापित हो गया था। सुनामी देखिए लगभग 800 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आया था यहाँ पर, और जिसकी तुलना में व्यावसायिक वायु यानी कि गति से भी की जा सकती है। इसके अलावा देखिए सुमात्रा में भूकंप के अधिकेंद्र से, अधिकेंद्र देखिए एक उद्गम केंद्र होता है, उद्गम केंद्र यानी कि भूकंप जहां निकला है, और अधिकेंद्र यानी कि जहां पृथ्वी पर सबसे पहले उसकी तरंग पहुंची है उसे बोलते हैं अधिकेंद्र। तो ये हमने पढ़े हैं। यहाँ देखिए ये इसकी सुमात्रा की तरफ से अंडमान द्वीप समूह श्रीलंका की ओर बढ़ती हुई, यहाँ देखिए तरंगों की लंबाई कम हो गई और इसी के कारण यहाँ देखिए काफी नुकसान हुआ था, अधिक से अधिक लोग यहाँ प्रभावित हुए थे। यहाँ देखिए हम पहले से भूकंप का अनुमान तो नहीं लगा सकते, परंतु कुछ संकेत होते हैं जिनके माध्यम से हम उनको जो है जान सकते हैं और उनको रोक सकते हैं। आगे बात करते हैं हम ज्वार भाटा की। तो जैसे देखिए ये हमारा सूर्य है, सूर्य है और पृथ्वी है, यहाँ ये अलग हो गया ये वाला और ये वाला अलग हो गया। ठीक है, ये सूर्य हो गया। अब चंद्रमा यहाँ भी हो सकता है, चंद्रमा इधर भी हो सकता है, चंद्रमा इधर भी हो सकता है, सिंपल सी बात है। तो चंद्रमा लगा रहा पृथ्वी का चक्कर और पृथ्वी लगा रही चंद्रमा के, देखिए चंद्रमा को अपने आसपास लेते हुए वो सूर्य का चक्कर ले, हम एक प्रकार से बोल सकते हैं। देखिए जो पृथ्वी है, पृथ्वी किसका चक्कर लगा रही है, सूर्य का।
और चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा, साथ साथ में सूर्य का भी लगा रहा पृथ्वी के साथ साथ, क्योंकि पृथ्वी का लगा रहा है तो जो पृथ्वी है सूर्य के आसपास घूम रही है, तो चंद्रमा भी घूम रहा है ना। तो कभी कभी कंडीशन ऐसी आ जाती है कि या तो ये एक रेखा पे हो जाते हैं या फिर ये समकोण बनाते हैं। तो एक रेखा पे हो जाने के कारण देखिए इनका जो है गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा किसका रहेगा, चंद्रमा का। हालांकि चंद्रमा छोटा है परंतु फिर भी पास में है, और सूर्य का जो है कम रहेगा। तो इनके गुरुत्वाकर्षण बल के कारण महासागरों का जल जो है कहाँ उठ जाता है, ऊपर, पृथ्वी का जो जल है ऊपर उठ जाता है। और ऊपर उठ जाने के कारण क्या होता है, ये जो होता है इसको हम बोलते हैं ज्वार। और जहां पे जल नीचे की ओर धंसता है, देखिए खिंचाव के कारण यहाँ का जल क्या हो रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इसको बोलते हैं भाटा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं जब यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण यहाँ पे पृथ्वी का जल ऊपर उठ रहा है तो उसको ज्वार बोलेंगे, और जब पृथ्वी का जल नीचे जा रहा है उसको भाटा बोलेंगे। ठीक है, तो ये आप समझ गए। और यहाँ देखिए उच्च ज्वार की स्थिति कब आएगी, जब ये तीनों एक ही रेखा में होंगे, और निम्न ज्वार की स्थिति कब आएगी, जब ये समकोण बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं देखिए यहाँ पे ऐसी स्थिति भी आ सकती है, देखो इस प्रकार से, तो ये इस प्रकार से खींचेगा, देखो यहाँ पे आपको निम्न ज्वार देखने को मिल रहा है और यहाँ पे आपको उच्च ज्वार देखने को मिल रहा है, परंतु ये दूसरी स्थिति में आपको निम्न ज्वार यहाँ देखने को मिल रहा है और ये उच्च ज्वार आपको, आप देखिए दोनों तरफ ज्वार आने का मतलब क्या है, अब केंद्रीय बल पृथ्वी के द्वारा लगाया, पृथ्वी अपने आप को संभालने के लिए एक खुद का बल लगाती है, उसे बोलते हैं अब केंद्रीय बल, और एक बल जो लगाया जा रहा है सूर्य और चंद्रमा के द्वारा। तो पृथ्वी का जल ऊपर उठना और नीचे गिरना ज्वार भाटा कहलाता है। इसके अलावा देखिए ये भी देख सकते हैं आप, देखिए बृहत ज्वार जो है इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, तीनों एक ही रेखा में होते हैं, गुरुत्वाकर्षण के कारण यहाँ पे बृहत ज्वार आता है, और जब वो समकोण बनाते हैं तो वो होता है निम्न ज्वार होता है। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं हम महासागरीय धाराएं। तो महासागरीय धाराएं क्यों होती है, देखिए महासागरीय धाराएं गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, देखिए एक निश्चित दिशा में जो महासागरीय सतह पर नियमित रूप से जो बहने वाली धाराएं होती है उसे महासागरीय धारा बोलते हैं। तो ये गर्म और ठंडी दोनों हो सकती है। तो भूमध्य रेखा से अगर ध्रुवों की ओर चल रही है तो वो क्या कहलाएगी, गर्म जल धाराएं, और ध्रुवों से अगर भूमध्य रेखा की ओर चल रही तो वो कहलाएगी ठंडी जल धाराएं। तो हम यहाँ देखिए यहाँ देख लेते हैं इस चित्र में, देखिए ये है हमारी भूमध्य रेखा, 0 डिग्री जो है भूमध्य रेखा की, यहाँ देखिए भूमध्य रेखा है, और ये गर्म, यहाँ पे सूर्य का प्रकाश जो होता है हम वर्ष भर क्या होता है यहीं पे पड़ता है, तो गर्म होने के कारण यहाँ का पानी क्या होता है, देखिए यहाँ की धाराएं ऊपर की ओर चलती है, तो ऊपर की ओर इधर चल रही है ये, देखिए ये उत्तरी विषुवती धारा है, उसके अलावा देखिए गल्फ स्ट्रीम धारा है, उसके बाद है यहाँ देखिए नॉर्वे की धारा है, ये आप देख सकते हैं उत्तरी अटलांटिक अपवाह तंत्र, ये सब जो है रेड कलर से जो दिख रहा है आपको वो गर्म जल धारा है। उसके अलावा जो ऊपर से आ रही है जैसे कि कैलिफोर्निया की जलधारा है, लेबराडोर की जलधारा है, ये देखिए आईयूएसयू की जलधारा है, इसके अलावा ये देखिए नीचे से ध्रुवों की, मतलब ध्रुवों से फिर से हम देखिए विषुवत रेखा की तरफ जा रही है, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन धारा, पश्चिमी वायु उपवाह तंत्र, वेनेजुएला की धारा, ये देखिए हम्बोल्ट की धारा, ये सब जो है विषुवत रेखा की तरफ जाने वाली, कैनरीज की धारा, ये सब जो है ठंडी जल धारा है। तो हम देखिए यहाँ कलर से समझ सकते हैं, देखिए शीत जल धारा जो है इस कलर में देखेंगे ब्लू कलर में, और उष्ण मतलब गर्म जल धारा जो है रेड कलर में आपको नजर आएगी। तो यह पूरे विश्व की जल धारा को एक प्रकार से मैप में बना सकते हैं और एक बार देख सकते हैं। अब यहाँ आप देख सकते, देखिए क्वेश्चन आपको देखने मिलेंगे, वर्षण क्या है, जल चक्र को आपको समझाना है, लहरों की ऊंचाई प्रभावित करने वाले जो कारक है उनको बताना है, महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक, ज्वार भाटा क्या है, उत्पन्न कैसे होता है, महासागरीय धाराओं के बारे में आपको बताना है। अगला चैप्टर हमको पढ़ना है चैप्टर नंबर 6, और इसमें हम पढ़ेंगे मुख्य रूप से प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीव। तो देख लेते एक बार ओवरव्यू इसका भी हम फटाफट, देखिए रोडोडेंड्रॉन एक प्रकार का वनस्पति हम देख सकते हैं, और यहाँ देखिए आमतौर पर प्राकृतिक वनस्पति को निम्न तौर पर 3 श्रेणियों में बांटा गया है। तो 3 श्रेणी कौन कौन सी वनस्पति जो होती है, 3 श्रेणी वन होते हैं, एक तो जंगल घास स्थल होते हैं जहाँ पर घास भूमि होती है, कांटेदार झाड़ियाँ होती है जहाँ पर कांटेदार झाड़ झाड़ियाँ केवल शुष्क क्षेत्रों में पैदा होते हैं। ठीक है, ये मध्यम वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ घास स्थल होते हैं, और यहाँ पर परिपूर्ण वर्षा वाला क्षेत्र है जहाँ पर जंगल होते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं हम, देखिए जंगल जो वन होते हैं वो तीन हम देख सकते हैं वन के प्रकार के रूप में, पहला उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो यहाँ देखिए इनको वर्षा वन भी बोल सकते हैं हम क्योंकि अधिक वर्षा होती है, और भूमध्य रेखा पर होते हैं तो यहाँ गर्म क्षेत्र होता है, इतना अधिक गर्म होता है कि प्रत्येक घंटे में यहाँ पे तेज बारिश होती है और प्रत्येक घंटे में यहाँ पे धूप तपती है। ठीक है, तो अत्यधिक वर्षा होती है, मौसम कभी शुष्क नहीं होता है, पत्तियां पूरी तरह नहीं झड़ती है,
और इतने खतरनाक मतलब इतने अधिक जो होते हैं बड़े होते हैं ये वृक्ष, और घने होते हैं सदाबहार इन्हें बोलते हैं, और अंदर तक हम नीचे प्रकाश देखते हैं, मतलब एक प्रकार से सूर्य का प्रकाश इनकी जमीन तक नहीं जा पाता है। जैसे वृक्ष हम देख सकते, देखिए रोजवुड, आबनूस और महोगनी नाम के जो वृक्ष है इसमें पाए जाते हैं। देखिए एनाकोंडा जो है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में ही सबसे बड़ा सांप यहाँ पाया जाता है, हम देख सकते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय वर्षा वन जो सदाबहार वन है उसमें पाया जाने वाला ही है, और यह जो है बड़े बड़े जो जानवर है उनको मारकर भी यहाँ पे खा जाता है। इसके अलावा पर्णपाती वन जो होते हैं ये मानसूनी वन कहलाते हैं, भारत, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया एवं मध्य अमेरिका के बड़े हिस्सों में ये पाया जाता है। इन क्षेत्रों में मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, और जल संरक्षित रखने के लिए शुष्क मौसम में यहाँ के वृक्ष पत्तियां झड़ा देते हैं, तो इसलिए इनको पर्णपाती वन बोलते हैं। पतझड़ी वन भी आएंगे इसके आगे, तो हम वो भी जैसे हम देख सकते हैं पतझड़ वाले जो रहते हैं पत्ते को झड़ा देते हैं, क्यों? क्योंकि शुष्क मौसम में जो होता है पानी को सुरक्षित रखने, क्योंकि पत्तियां जो होती है अधिक पानी को सोखती है। ये वृक्षों में साल, सागौन, नीम तथा शीशम के जो वृक्ष है वो अधिक आते हैं, और यहाँ हम इनका प्रयोग देख सकते हैं फर्नीचर, यातायात, निर्माण सामग्री को बनाने के लिए होता है। ठीक है, यहाँ जो पाए जाने वाले मुख्य रूप से जानवर है बाघ है, शेर है, हाथी, यहाँ बंदर, गोल्डन रंगूल ये हम देख सकते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए बाघ है ये, गोल्डन लंगूर हम देख सकते हैं, बंदर। शीतोष्ण सदाबहार वन, तो शीतोष्ण मतलब मध्य अक्षांश के तटीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, सामान्यतः महाद्वीपों के किनारे में पाए जाते हैं, और दक्षिण पूर्व अमेरिका, दक्षिण चीन तथा दक्षिण पूर्वी ब्राजील में इनको देखने को मिलेंगे। यहाँ देखिए बाज, चीड़ और यूकेलिप्टस जैसे जो मुलायम प्रकार के पेड़ है यहाँ पे पाए जाते हैं। इसके अलावा शीतोष्ण पर्णपाती वन जो है यहाँ पे देखिए अक्षांश की ओर बढ़ने पर अधिक जो शीतोष्ण पर्णपाती वन मिलते हैं, और उत्तर पूर्वी अमेरिका, चीन, न्यूजीलैंड, चिली एवं जो पश्चिमी यूरोप के तटीय प्रदेश में ये पाए जाते हैं। पत्तियां शुष्क मौसम में झाड़ देते हैं, सिंपल सी बात है। और ये देखिए ये पेड़ होते हैं बाज, एस, बीच यहाँ के पेड़ है, और हिरन, लोमड़ी, भेड़िया यहाँ के प्रमुख जानवर है। पक्षी भी हम देख सकते हैं, देखिए फिजेंट है, मोनाल है, ये देखिए मोनाल है, ये फिजेंट है। इसके अलावा भूमध्य सागरीय वन की अगर बात करें वनस्पति की, तो यहाँ देखिए अधिकतर जो है यूरोप, अफ्रीका एवं एशिया के भूमध्य सागरीय जो उसके समीप प्रदेशों में पाई जाती है, जैसे कि देखिए बाहरी प्रदेशों में, भूमध्य सागरीय के बाहरी प्रदेशों में संयुक्त राज्य अमेरिका में, कैलिफोर्निया, पश्चिम अफ्रीका और पश्चिमी दक्षिणी अमेरिका में ये देखने को मिलती है। यहाँ देखिए हम एक फैक्ट भी देख लेते हैं, देखिए भूमध्य सागरीय जो वृक्ष होते हैं शुष्क ग्रीष्म ऋतु में स्वयं को ढाल लेते हैं, उनकी मोटी छाल एवं पत्तियां बाष्पोत्सर्जन को रोक दी है, और यहाँ भूमध्य सागरीय प्रदेश को फलों की कृषि के कारण, भूमध्य सागर के जो प्रदेश है उसमें फलों की कृषि के कारण यहाँ विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। तो क्वेश्चन आ सकता है विश्व का फलोद्यान किसे कहा जाता है। नेक्स्ट है शंकुधारी वन, तो शंकुधारी वन जो है 50 से 70 जो उच्च अक्षांश है वहां पे हमको ये भव्य शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं, इन्हें टेगा भी कहते हैं। यहाँ देखिए और यहाँ देखिए सदाबहार वृक्ष होते हैं यहाँ पे, लंबे काष्ठ वाले, अखबारी कागज बनाने के काम आते हैं, माचिस की पैकिंग के लिए काम आते हैं, चीड़, देवदार आदि जो है वनों के मुख्य पेड़ है। यहाँ देखिए रजत, लोमड़ी, मिंक, ध्रुवीय भालू यहाँ के प्रमुख जानवर हमको देखने को मिलेंगे। देखिए शंकुधारी वन ये है, और हिमाच्छादित शंकुधारी वन इनको बोलते हैं। इसके अलावा घास स्थल क्या है, घास स्थल की बात करें तो देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल है ये, भूमध्य रेखा के किसी भी तरफ उग सकते हैं, और भूमध्य रेखा के दोनों ओर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में फैले होते हैं। ये देखिए निम्न से मध्य वर्षा वाले क्षेत्रों में पैदा होते हैं, जैसे 3 से 4 मीटर की ऊंचाई तक ये बढ़ सकते हैं। अफ्रीका का सवाना घास स्थल इसी प्रकार का है, ये देखिए उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं, देखिए जेबरा, हाथी, जिराफ, हिरण आदि यहाँ पे पाए जाते हैं। शीतोष्ण घास स्थल जो होते हैं हम देख सकते हैं, देखिए ये मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों और महाद्वीपीयों के भीतरी भागों में पाए जाते हैं। यहाँ के घास आमतौर पर छोटी एवं पौष्टिक होती है, और शीतोष्ण प्रदेशों में सामान्यतः जंगली भैंस, बाइसन, एंटीलोप ये पाए जाते हैं। कंटीली झाड़ियों की बात करें तो देखिए शुष्क रेगिस्तान जहाँ होता है, जैसे कि जहाँ पानी की बहुत कमी होती है, तो पत्ते वहाँ नहीं रहते, वहाँ जो है नुकीली मतलब एक कांटेदार झाड़ियाँ रहती है, कटीली झाड़ियाँ। तो यहाँ देखिए उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान जो होते हैं महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों, तीव्र गर्मी एवं बहुत कम वर्षा के कारण ये जो है इस प्रकार के बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप देख सकते हैं विभिन्न प्रदेश में घास स्थल और उनके नाम, तो पूर्वी अफ्रीका में सवाना बोला जाता है इनको, ब्राजील में कंपोस, वेनेजुएला में लानोस, अर्जेंटीना में पंपास, और इसके अलावा है उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी, दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड, मध्य एशिया में स्टैफी और ऑस्ट्रेलिया में डॉन। तो ये आप याद रख सकते हैं, इनमें से का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो ये आप देख सकते हैं।
ये क्वेश्चन देख लीजिए चैप्टर नंबर 6 के। वनस्पति का विकास किन दो कारकों पर अधिकतर निर्भर करता है? प्राकृतिक वनस्पति की तीन मुख्य श्रेणियां बताना है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन के दो दृढ़ काष्ठ वाले पेड़ों के नाम बताना है, विश्व के किसी जो किस भाग में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। नींबू जो है वंश, यहाँ देखिए सिट्रस के फल किस जलवायु में उगाए जाते हैं, शंकुधारी वन के कोई चार उपयोग बताना आपको, और विश्व के किन भागों में मौसमी घास स्थल पाए जाते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 7, और चैप्टर नंबर 7 में हम पढ़ने वाले हैं मानवीय पर्यावरण, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे मुख्य रूप से बस्तियां, परिवहन एवं संचार के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बस्तियों की बात करें तो देखिए, जहाँ स्थान मतलब वह स्थान जहाँ पर लोग रहते हैं और घर बनाते हैं, मतलब प्रारंभिक समय की अगर बात करूँ मैं तो देखिए, जब आदि मानव थे तो आदि मानव रहते थे इधर उधर, मतलब जो है घूमते रहते थे, घुमक्कड़ था उनका जीवन। कुछ समय पश्चात क्या हुआ, गुफाओं में वो रहने लगे, गुफाओं के बाद वो कबीले के रूप में रहने लगे, तो जो है छोटे छोटे उनके निवास स्थान बनाने लगे, ठीक है, फसलें उगाने लगे, तो धीरे धीरे वो एक जगह स्थायी रहना शुरू कर दिए। तो स्थायी रहने के कारण उन्होंने जो है बस्तियां उनकी बनते चली गई। तो देखिए यहाँ देखिए, प्रारंभिक मनुष्य यहाँ देखिए वृक्षों एवं गुफाओं में निवास करते थे, फसलें उगाना आरंभ किया, ठीक है, स्थायी घर बनाना शुरू कर दिया। विकास उनका जो है नदियों के घाटियों के किनारे ही होता था। क्यों होता था नदियों के घाटियों के किनारे? क्योंकि नदियों की घाटियों के किनारे उनको आसानी से पानी व्यवस्था सारी चीज उपलब्ध हो जाती, जल की उपजाऊ भूमि वहां हो जाती थी, उनको अलग से कोई जो है सारी चीजों को मतलब कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता था। व्यापार वाणिज्य एवं विनिर्माण के विकास के साथ साथ मानव की बस्तियां जो है धीरे धीरे बड़ी हो गई, और आज की डेट में आप महानगर के रूप में भी उनको देखते हैं। नदी घाटी के निकट जो है बस्तियां पनपने लगी एवं सभ्यता का विकास हुआ। सभ्यता यानी कि मानव सभ्य हो गया, सिंपल सी बात है। जैसे कि हम देख सकते हैं सिंधु, टिग्रिस, नील एवं हांगो नदी के किनारे विकसित हुई। और आपको बताना है विश्व की टोटल 6 सभ्यताओं के नाम, विश्व में टोटल 6 सभ्यता है। जैसे कि हम एक मैं बता देता हूँ, सिंधु सभ्यता है, तो सिंधु सभ्यता के जैसे ही 6 सभ्यता है टोटल विश्व में, तो आपको नाम बताना है। इसके अलावा देखिए बस्तियां, यहाँ देखिए बसाव स्थान इनको कहते हैं जहाँ बस्तियाँ रहती है। इसके अलावा देखिए इनका जो प्राकृतिक दशाओं के रूप में भी ये बस्तियाँ निर्मित होती है, जैसे कि अनुकूल जलवायु जहाँ है वहाँ बस्तियाँ निर्मित होगी, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होना चाहिए जिससे वो कृषि कर पाए, ठीक है, उपजाऊ मिट्टी भी होना चाहिए ताकि उसमें जो है फसलें उग पाए। इसके अलावा देखिए बस्तियां आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी, जैसे कि उत्तर पश्चिमी जो हमारे राज्य है, जैसे कि असम है, मेघालय है, इस तरफ पहाड़ी एरिया है, उस तरफ आपको खास करके इस प्रकार की अभी जो है इस प्रकार का दृश्य देखने को मिलेगा। तो कुछ होती है स्थायी बस्तियां, कुछ होती है अस्थायी बस्तियां, ठीक है। स्थायी होती है जैसे कि जो लंबे समय तक होती है, यानी कि जो इधर उधर नहीं जाते लोग, और अस्थायी मतलब जो होता है जैसे जंगलों में, तो जंगलों में क्या होता है, एक स्थान पर वो रहे और उसके बाद अगर उनकी जरूरत वहां पूरी नहीं हो रही तो वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर, या फिर ऋतु के अनुसार भाई बरसात में दूसरी जगह वो ट्रांसफर हो गए है, और बरसात अगर खत्म हुई तो फिर से वहां चले गए। तो इस प्रकार से अस्थायी वो ऋतु के अनुसार भी एक जगह दूसरी जगह प्रवास कर सकते हैं। आगे बात करते देखिए, ऋतु प्रवास तो हमने देख लिए, ऋतु के कारण लोग जो है एक जगह दूसरी जगह उनकी अनुकूल जलवायु उसके कारण वो आगे इधर उधर चले जाते हैं। तो देखिए सघन बस्ती भी आपको देखने को मिलेगी आज के डेट में। देखिए जो बड़े बड़े महानगर है जैसे कि दिल्ली है, मुंबई है, कोलकाता है, इस प्रकार से ऐसी बस्तियां देखने को मिलेगी। और आपको ये भी पता होगा, देखिए इतनी जनसंख्या अधिक बढ़ गई है जो हमारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, तो वहां पे देखिए जो प्रदूषण है इतना अधिक बढ़ गया है, तो देखिए स्वास्थ्य के प्रति इमरजेंसी वहां घोषित कर दी गई, ये भी आपको पता होना चाहिए, अभी करंट की चीजें है। आगे देखिए प्रकीर्णन बस्ती हम देख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी पहाड़ी एरिया में ढलान के किनारे आपको इस प्रकार से बस्तियां देखने को मिलेगी, और स्टिल्ट पर जो है मकान भी देखने को मिलेंगे जहां पर दलदली एरिया होता है, जहां नीचे पानी बहुत भर जाता है, तो ये लकड़ी या लोहे के पाइप या किसी प्रकार से देखिए ऊपर आपको बस्तियां देखने को मिलेगी, मतलब देखिए नीचे जो है नीचे स्टैंड लगाकर खड़ा कर दिया एक प्रकार से, और ऊपर उसके ऊपर छत बनाकर यहाँ पे लोग बाग रह रहे हैं। तो इस प्रकार से भी कुछ देखने को मिलेगा आपको, अलग अलग प्रकार की बस्तियां देखने को मिलेगी। देखिए अब बात करते हैं परिवहन की। परिवहन का मतलब क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब सामान हो गया या जो पर्सन हो गए, लोग हो गए, लोगों को एवं सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना किसी साधन के माध्यम से, तो इसे हम बोलेंगे परिवहन। पुराने समय में क्या होता था, देखिए पुराने समय में लोग बाग जो है जानवरों को जैसे पालना शुरू कर दिए, तो उस समय वो उनकी पीठ पर लाद कर ले जाते थे, फिर धीरे धीरे पहिए का विकास हो गया, तो पहिए के विकास से वो
घोड़ा गाड़ी या बैलगाड़ी इनका प्रयोग करने लगे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। परंतु हम आज की डेट में देख सकते हैं बहुत तेज गति से, मतलब पहले तो यूज किए जाते थे, देखिए गधे, बैल एवं ऊंट इनका उपयोग किया जाता था। दक्षिण अफ्रीका के एंडीज पर्वत के क्षेत्र में लामा का उपयोग उसी तरह होता था जैसे तिब्बत में याक का होता था। देखिए भारत के एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचने के लिए बहुत समय लग जाता था, ठीक है। हवाई यात्रा ने यहाँ पे परिवहन को अधिक जो है द्रुत बना दिया। यहाँ देखिए समुद्री मार्ग से चलते थे, स्थलीय मार्ग से चलते थे। इसके अलावा फिर हवाई यात्रा आई तो देखिए 6 से 8 घंटे का समय लगता है यात्रा करने में केवल भारत से यूरोप। तो आज की डेट में देख सकते हैं हम जो है आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक जगह दूसरी जगह परिवहन का उपयोग करके एक जगह दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ देख सकते हैं, देखिए भारत में अनेक राष्ट्रीय एवं राजमार्ग है, और भारत में एक्सप्रेसवे का निर्माण नवीनतम है। स्वर्ण चतुर्भुज जो गोल्डन क्वाड्रिलेटर जो है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना महामार्ग दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को आपस में जोड़ता है। चतुर्भुज इसलिए बोला जाता है उसको क्योंकि इस प्रकार से चतुर्भुज का निर्माण करती है वो, ठीक है। जैसे दिल्ली है, कोलकाता है, चेन्नई है और मुंबई, ये चारों महानगरों को आपस में जोड़ता है। और बहुत सारे राष्ट्रीय राजमार्ग भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के साधन उपयोग किए जाते हैं, सड़क मार्ग, रेल मार्ग, जल मार्ग और वायु मार्ग। ये 4 मार्गों का उपयोग किया जाता है परिवहन के लिए, कहाँ पे, हमारे आज की डेट में। तो सड़क मार्ग देख सकते हैं हम, देखिए 2 प्रकार की होती है, एक तो पक्की सड़क होती है और एक कच्ची सड़क होती है। और इसके अलावा भी देख सकते हैं, देखिए हिमालय पर्वत में मनाली लेह राजमार्ग जो है विश्व की सबसे ऊंची सड़क मार्गों में से एक माना जाता है, तो ये फैक्ट है आपके लिए। और भूमिगत सड़कों को भूमिगत मार्ग भी बोलते हैं, सब वे कहते हैं इनको, जैसे फ्लाईओवर उत्थित संरचनाओं के ऊपर बनाए जाते हैं। फ्लाईओवर तो आपने देखा ही होगा, ये पक्की सड़क आप देख सकते हैं इस प्रकार से, वो कच्ची सड़क जो है गाँव में आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आज की डेट में भी जो है गाँव में भी पक्की सड़क धीरे धीरे बनते जा रही है, पर फिर भी कुछ जगह जो है कच्ची सड़क देखने को मिलेगी। इसके अलावा जॉइनिंग से लहासा के बीच में चलने वाली जो रेलगाड़ी है समुद्र तल से 4,000 मीटर की ऊंचाई पर चलती है, तो ये भी आपको याद रखना है, जिसका सबसे ऊंचा बिंदु जो है समुद्र तल से 5,072 मीटर है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ रेल मार्ग की, तो रेल मार्ग हम देख सकते हैं कि रेल मार्ग द्वारा तीव्रता से एवं कम खर्च से लोगों को और सामान को एक जगह दूसरी जगह ढोने के लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। वास्प इंजन की खोज एवं औद्योगिक क्रांति ने रेल परिवहन के विकास में, मतलब जो रेल परिवहन के तीव्र विकास में यहाँ पर सहायता प्रदान की है। देखिए डीजल एवं विद्युत इंजन ने व्यापक रूप से वास्प के इंजनों को स्थान ले लिया। सुपर फास्ट रेलगाड़ियों से परिवहन की गति और तीव्र हो गई है, और जो एशिया में सबसे बड़ा है जो रेल मार्ग की अगर बात करें, भारतीय रेल मार्ग का जाल एशिया में सबसे बड़ा यहाँ पे हम बोल सकते हैं उसे। ये देखिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। तो जैसे रूस की बात करें तो देखिए ये जो है सेंट पीटर्सबर्ग, और यहाँ से देखिए ये आ गया, और इधर से निकलते हुए देखिए यहाँ से यहाँ तक आ गया, ठीक है, व्लादिवोस्तोक। तो ये रूस में स्थित है, इसको बोलते हैं ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। तो अगर पूछा जाए विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग आपको यहाँ पर राइट आंसर लगाना है। ये रूस का मैप आपको दिख रहा है। इसके अलावा बात करें जल मार्ग की, तो जल मार्ग आपको देखने को मिलेगा, देखिए जल के थ्रू जो होता है जहाज के थ्रू, तो प्रारंभिक समय में परिवहन के लिए जल मार्ग का उपयोग किया जाता था। और यहाँ पे आज की डेट में हम देख सकते हैं जल मार्ग जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक तो समुद्री मार्ग हो जो होता है जो एक देश से दूसरे देश के बीच में प्रयोग किया जाता है, और एक होता है अंतर्देशीय मार्ग। अंतर्देशीय मार्ग मतलब होता है जल मार्ग एक ही देश के अंतर्गत, जैसे जल हमारे जो भारत है, भारत के अंतर्गत नेशनल वाटरवेज के रूप में गंगा नदी का जो है जल मार्ग उपयोग किया जाता है, ठीक है, महानदी का जल मार्ग उपयोग किया जाता है, जो एक प्रकार से असम में एक नदी है उसका बराक नदी, उसका जल मार्ग जो अभी अभी बना है नेशनल वाटरवे 6, उसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं अंतर्देशीय जल मार्ग और राष्ट्रीय मतलब समुद्री जल मार्ग की बात करें, तो जैसे यूरोप के लोग भारत आते थे जहाज के थ्रू, तो वो भी एक प्रकार से समुद्री जल मार्ग है। तो ये अलग अलग प्रकार से जल मार्ग उपयोग किए जाते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, उत्तरी अमेरिका में ग्रेट लेक, अफ्रीका में नील नदी, ये सब जल मार्ग के रूप में यहाँ पे प्रयोग किए जाते हैं। इसके अलावा वायु मार्ग की अगर बात करूं मैं, तो वायु मार्ग देखिए ऐसा जो है ऐसा यातायात या ऐसा परिवहन प्रदान करता है जहां पे दुर्गम स्थिति, यहाँ पे जहाँ जहाँ कोई साधन नहीं पहुंच पाता या जहाँ लोग पहुंच नहीं पाते, उस स्थान पर भी ये पहुंचाने का काम करता है, उसे बोलते हैं वायु मार्ग।
यानी कि सर्वाधिक महंगा तो होता है परंतु काफी अच्छा होता है, सर्वाधिक दुर्गम एवं दूर स्थानों पर भी ये पहुंचाने का काम करता है। जैसे देखिए कुछ एयरपोर्ट्स है हमारे भारत में, दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, मतलब और या अदर जो यूएसए में न्यूयॉर्क है, यूनाइटेड किंगडम में लंदन है, पेरिस, फ्रांस, फ्रैंकफर्ट, काहिरा, ये सब जो है अंतर्राष्ट्रीय जो एक प्रकार से हवाई अड्डे हम बोल सकते हैं, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहुत ही फास्ट लोगों को और सामान को पहुंचाने का काम करते हैं। संचार की बात करें तो संचार मतलब होता है कम्युनिकेशन, कोई भी चीज मतलब विचारों को आदान प्रदान करने, या फिर जो भी चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम पहुंचा रहे हैं, हम जो भी सूचनाएं हैं उनको हम बोलेंगे संचार। तो सूचना को पहुंचाने की प्रक्रिया है दूसरों के पास, क्या कहलाती है? संचार कहलाती है। तो आज की डेट में अगर तकनीकों का विकास हम देखें तो बहुत अधिक हो गया है, जिसके माध्यम से संचार काफी फास्ट हो गया है। तो देखिए पुराने समय में संचार कैसा होता था, एक व्यक्ति सूचना को भेजने के लिए दूसरे व्यक्ति को जाकर बताता था तो बहुत समय लग जाता था। देखिए दो पर्सन आपस में बातचीत कर रहे हैं, मतलब एक पर्सन दूसरी जगह से आया और ये वाले पर्सन से बात कर रहा है, मतलब सूचनाएं यहाँ पे भेज रहा है। पर कुछ समय, थोड़ा समय बीता, समय बीतने के साथ साथ यहाँ देखिए कबूतरों को उपयोग किया जाने वाला मतलब कबूतरों का उपयोग किया जाने लगा, किसके लिए? संचार के लिए, चिट्ठियों के माध्यम से। उसके बाद और समय यहाँ पे बीता तो देखिए संचार के लिए यहाँ पे पोस्ट ऑफिस का उपयोग किया जाने लगा। पोस्ट ऑफिस यानी कि आज की डेट में देखिए हम देख सकते हैं डाक विभाग जो होता है। पर कुछ समय और बीत जाने के पश्चात बुक्स और न्यूज़पेपर का उपयोग किया जाने लगा। पर आज वर्तमान की अगर बात करूं मैं, तो आज वर्तमान में देखिए यहाँ सैटेलाइट के माध्यम से टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, टेलीफोन के माध्यम से जो है हम संचार को आसानी से यहाँ मैनेज कर सकते हैं। तो ये इस प्रकार से संचार हम समझ सकते हैं, विश्व में सूचना क्रांति आई है संचार के माध्यम से, संचार के क्षेत्र में विकास के माध्यम से विश्व में सूचना क्रांति आ गई है। तो ये देखिए ये विश्व का जो है प्रमुख समुद्री हवाई एयरपोर्ट मतलब हवाई पत्तन यानी कि एयरपोर्ट आप देख सकते हैं। हमने पीछे क्या पढ़े हैं, वायु मार्ग के बारे में पढ़े हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ देख सकते हैं भारत के दिल्ली से आप देखिए मॉस्को जा सकते हैं, इधर आप देखिए टोक्यो जापान जा सकते हैं, यहाँ से चले तो देखिए अलग अलग बैंकॉक, कोलकाता, इसके अलावा देखिए सिंगापुर जा सकते हैं, जकार्ता जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया जा सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार से आप देख सकते हैं। देखिए ये है, ये वाला जो है ये ब्लू लाइन में जो दिख रहा है, ब्लू लाइन में ये जल मार्ग है, यानी कि जल के थ्रू आप जा सकते हैं, देखिए जल को किनारे पर ही ले जा सकते हैं। उसके अलावा वायु मार्ग हम देख सकते हैं, रेड कलर में दिख रहा है, और डॉट जो है समुद्री मतलब प्रमुख समुद्र है, और हवाई पत्तन यानी कि हवाई अड्डे है। तो आप देख सकते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार से आप एक बार देख सकते हैं। तो यह क्वेश्चन कुछ हमने जो लेक्चर पढ़े उससे रिलेटेड, परिवहन के चार प्रकार आपको बताना कौन कौन से है, बस्ती से आप क्या समझते हैं, ग्रामीण लोगों के क्रियाकलाप क्या है, रेल मार्ग के किन्हीं दो गुणों के बारे में बताना है, और इसके अलावा संचार से आप क्या समझते हैं, और जनसंपर्क माध्यम क्या है। तो संपर्क जो संचार है उसके माध्यम में ही जनसंपर्क माध्यम आपको देखने को मिलेगा। चलिए अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 8। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं मानव पर्यावरण अन्योन्य क्रिया, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो जैसे आपको पता हमारा पूरा ग्लोब है, और ये जो होता है हमारी विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के ऊपर अगर हम देखें ऊपर और थोड़ा नीचे तो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है? उसके जस्ट थोड़ा ऊपर जाएं इधर और इधर नीचे तो यहाँ पे कहलाता है उपोष्ण प्रदेश। तो ये दोनों ही के बारे में हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं, जैसे कि हम बात करें अमेजन बेसिन की, तो अमेजन बेसिन कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा आपको दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका जिसे हम बोलते हैं लेटिन अमेरिका, तो या तो हम लेटिन अमेरिका बोल सकते हैं या फिर दक्षिण अमेरिका हम उसे बोल सकते हैं। कहाँ पे हम वो देख लेते हैं, तो ये देखिए आपके सामने दक्षिण अमेरिका या लैटिन अमेरिका का बेसिन यानी कि एक प्रकार से मैप नजर आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखिए जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा कहाँ से गई है? ये देखिए इक्वाडोर से होते हुए यहाँ से ब्राजील से यहाँ से गुजरी है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए इसके 10 डिग्री ऊपर और इसके 10 डिग्री नीचे, यानी कि विषुवत रेखा के 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे आपको पूरा कंप्लीट रूप से ये अमेजन नदी का जो है बेसिन ये नजर आ रहा है। देखिए बेसिन का मतलब क्या होता है, अमेजन नदी उनकी सहायक नदियों के द्वारा जो भी बहाव क्षेत्र होता है उसे बोलते हैं अमेजन बेसिन, ठीक है? तो दक्षिण अमेरिका में आपको देखने को मिल रहा है, देखिए यहाँ पे इक्वाडोर दिख रहा है, ये कोलंबिया, यहाँ वेनेजुएला है, ये ब्राजील है, तो यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के बारे में यहाँ बात की जा रही है कि 10 डिग्री उत्तर और 10 डिग्री दक्षिण में जो भूमध्य रेखीय प्रदेश है वहां पे आपको देखने को मिलेगा उष्ण कटिबंधीय प्रदेश, जो कि कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। अब यहाँ देखिए जो अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर होती है मतलब बहती है, और यहाँ पे देखिए जब नदी अपना जो जल राशि है
जहां पे देखिए देखिए, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है, मतलब समुद्र में मिल जाए या फिर कहाँ जहां भी मिलना है, जैसे मान लीजिए सहायक नदियां है तो वो आकर मेन नदी मिल रही तो वो उसका मुहैना कहलाएगा, और मेन नदी आज जाकर समुद्र में मिल रही तो उसको वह मुहैना कहलाएगा। सहायक नदियां मिलकर जो है, देखिए जो अमेजन नदी है उसकी बेसिन का निर्माण करती है, और ये ब्राजील, पेरू, इक्वाडोर, बोलिविया, कोलंबिया, वेनेजुएला, ये छोटे छोटे भागों में प्रवाहित होती है। और सहायक नदी आपको पता है, जैसे ये मुख्य नदी बह रही है और मुख्य नदी में आकर कोई नदी यहाँ बीच में मिल जाए, इधर से आकर मिल जाए, इधर से आकर, इधर से, तो ये जो आकर मिल रही है उसे बोलेंगे सहायक नदियाँ, यानी कि जो ट्रिब्यूटरी बोलेंगे, ठीक है, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ट्रिब्यूटरी। और अगर कोई नदी यहाँ से जाकर, जैसे यहाँ से बह रही है और यहाँ से जाकर अलग हो जाए, मतलब एक धारा उसकी अलग हो जाए, तो इसको बोलेंगे वितरिका, यानी कि एक प्रकार से डिस्ट्रीब्यूटरी बोलेंगे, मतलब अलग होने वाली नदी इसे बोलेंगे। देखिए हमने ये मैप देख लिए हैं, यहाँ पे दक्षिण अमेरिका का मैप आपको दिख रहा है। जलवायु देख लेते हैं उष्णकटिबंधीय प्रदेश की, तो ये देखिए पूरे वर्ष यहाँ जो है गर्म और नम जलवायु रहती है। मौसम जो होते हैं दिन में एवं रात में दोनों समय लगभग समान रूप से रहते हैं, और गर्म एवं आर्द्र होता है जो मौसम होता है। चिपचिपाहट महसूस होती है, गर्म और आर्द्र रहेगा, सिंपल सी बात है, पसीना निकलेगा और चिपचिपाहट महसूस होगी यहाँ पे, और लगभग प्रतिदिन यहाँ पे वर्षा होती है, मतलब बहुत तेज यहाँ बारिश होती है और बहुत तेज यहाँ पे धूप तपती है। और यहाँ के जंगल भी आपको देखने को मिलेंगे, एक प्रकार से छत टाइप के होते हैं, मतलब जो सूर्य का प्रकाश है वो जमीन तक नहीं जा पाता है, तो इस प्रकार से यहाँ वर्षा का जो वन है, यानी कि एक प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो देखो अत्यधिक वर्षा होने के कारण वन कैसे रहते हैं, सघन रहते हैं, और इतने सघन हो जाते हैं कि छत टाइप का निर्माण कर लेते हैं, और नीचे सूर्य का प्रकाश जाता है क्या, नहीं जाता। देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ धरातल पर नहीं पहुंच पाता है, जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे नहीं पहुंच पाता, मतलब यहाँ इसी प्रकार की वनस्पतियां उगती है जो एक प्रकार से देखिए नीचे जो सूर्य का, बिना सूर्य का प्रकाश के यहाँ पे बढ़ जाए, वो वही वनस्पतियां देखिए पनप पाती है, जो छाया में बढ़ने के लिए यहाँ पे क्षमता रखती है। और यहाँ आर्किड और ब्रोमलाइट जैसे के जो परजीवी है वो पौधे भी पैदा होते हैं। देखिए अमेजन का जो वन है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, और ये जो पक्षी है, मतलब ये जानवर पक्षी, ये टेपीर, इस प्रकार के वर्षा वन में हमको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ प्राणी जगत की काफी प्रचुरता मात्रा में पाई जाती है, टुकून, गुंजन पक्षी, रंगीन पक्षी, ये सभी यहाँ पे पाए जाते हैं, मगर, सांप, अजगर, एनोकोंडा, बोया, कुछ ऐसी प्रजाति अभी यहाँ पे हमको देखने को मिलेगी उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। और ब्रोमेलाइड हमने देखे हैं, परजीवी पौधा, एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित करके रखता है। मेंढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए भी करते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ के निवासी के बारे में, तो देखिए निवासी कैसे होते हैं, निवासी जो होते हैं जो वर्षा वन है वहाँ धीरे धीरे वो काट कर वहाँ पे उसका जो है काट देते हैं, वहाँ की पत्तियां जो नीचे गिर जाती है और वो उपजाऊ बना देती है जमीन को, और वहाँ अपनी फसल लगा लेते हैं, और 1-2-3 साल तक क्या होता है फसल जो जमीन है उपजाऊ रहती है और वहाँ पे फसल उगती है। जब वो जमीन उपजाऊ अनुपजाऊ हो जाती है तो वहां से निकलकर दूसरी जगह चले जाते हैं, और वहां फिर वर्षा वन जो है मतलब काट के फिर उसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है। तो ये वन को काट कर कुछ क्षेत्र को यहाँ पे देखिए भोजन के लिए यहाँ पे फसल उगाते हैं और शिकार भी करते हैं, मछली पकड़ते हैं, इस प्रकार से यहाँ देखने को मिलता है। और देखिए जो टेपियोका, अनानास एवं शकरकंद यहाँ पे उगाते हैं जो फल होते हैं, मछली का शिकार यहाँ पे जो है निश्चित होता है। ऐसी महिलाएं अपनी जो है मतलब एक प्रकार से देखिए महिलाएं जो साग सब्जियां उगाकर परिवार का भरण पोषण करती है, और पुरुष मुख्य रूप से क्या करते हैं फसल, मतलब फसल उगाते हैं और शिकार करते हैं। और ये जो क्या बोलते हैं जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है उसे बोलते हैं कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति, एक प्रकार से ये ब्राजील के वनों में हमको देखने को मिलेगी, एक प्रकार से अमेजन में, ठीक है। और इनका मुख्य आहार आहार मोनियाक होता है, कसाबा भी इसे बोलते हैं, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। देखिए कॉफी, मक्का, कोको जैसे जो है नगदी फसल भी यहाँ पे उगाई जाती है। इसके अलावा घरों के लिए जो है लकड़ी प्रदान करते हैं जो वन होते हैं अत्यधिक रूप से, और मधुमक्खी की भी जो मतलब मधुमक्खी से भी इनको काफी सहायता मिलती है। और कुछ लोग जो है यहाँ पे अपार्टमेंट में रहते हैं जिन्हें हम बोलते हैं मलोका, तो इस प्रकार से यहाँ देख सकते हैं 1970 में जो ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से यहाँ वर्षा वन में सभी भागों पहुंचना संभव हो चुका है, मतलब पहले जो है इनमें अंदर घुसना संभव नहीं था, और अब जो है ट्रांस जो अमेजन महामार्ग है वो बन गया है 1970 में, तो ये संभव हो चुका है। हवाई जहाजों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग भी यहाँ जाने के लिए अत्यधिक रूप से किया जाता है। ये देखिए पुराने समय का वर्षा वन जो है हम देख सकते हैं किसका, अमेजन का। तो धीरे धीरे कर्तन एवं दहन जो पद्धति है उसके कारण क्या हो रहा, देखिए इस प्रकार से इतने जो है जंगल बचे, फिर अभी देख सकते हैं इतने बचे, तो इस प्रकार से देखिए कुछ समय ऐसा आएगा कि ये जंगल जो है पूरी तरह नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि अगर इनको रोका नहीं गया तो पूरा जो है। अच्छा आपके लिए क्वेश्चन है,
जो पूरी पृथ्वी है, पृथ्वी एक प्रकार से पृथ्वी का ऑक्सीजन केंद्र किसे कहा जाता है, तो वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। और यहाँ देखिए, कर्तन और दहन पद्धति में वृक्ष एवं झाड़ियों को काटकर साफ किया जाता है, जलाया जाता है, पोषक तत्व तो मिट्टी में आ जाते हैं और फसल वहां पर उगाई जाती है। इसके अलावा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जीवन की बात करते हैं, हमारा भारत का एरिया है तो आप देख सकते, देखिए ये गंगा नदी निकली है, ठीक है, गंगा नदी निकल कर देखिए ये गई है यहाँ से, और यहाँ जाकर देखिए यहाँ से आई है, ये ब्रह्मपुत्र आई है, कहाँ से, ये तिब्बत से ब्रह्मपुत्र आई है, ब्रह्मपुत्र यहाँ से आकर देखिए ये आई है और यहाँ आकर बांग्लादेश में मिल गई है, और ये देखिए यहाँ पर आकर जो है क्या कर रहे हैं, सुंदरबन डेल्टा बन रही। तो ये जो कंप्लीट आसपास का जो एरिया है, इधर का गंगा का ये वाला, ब्रह्मपुत्र का ये, तो ये कंप्लीट जो है गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन कहलाता है, मतलब उसका बहाव क्षेत्र है। तो ये कंप्लीट सहायक नदियों से मिलकर बना है। और ये उपोष्ण प्रदेश, जैसे कि मैंने बताया था, ये जो है यहाँ उष्ण प्रदेश कहलाएगा, उसके थोड़ा ऊपर चले तो उपोष्ण प्रदेश। तो उपोष्ण प्रदेश में 10 डिग्री से 30 डिग्री, 10 डिग्री यानी कि लगभग 10 डिग्री जो है उपोष्ण प्रदेश से कहाँ तक, ऊपर 30 डिग्री तक, वहां पे अक्षांश में स्थित है। और घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी, तो ये देखिए इधर से आपको घाघरा, सोन, गंडक, कोसी, ये जो है यहाँ से देखिए चंबल, और इसके अलावा आपको जो है यहाँ चंबल देखने को मिलेगी, सोन देखने को मिलेगी, सभी यहाँ जो है ये कंप्लीट मिलकर यहाँ पे जो सहायक नदियां है इसकी, गंगा की, वो मिलकर यहाँ पे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। इसके अलावा देखिए बेसिन में विभिन्न प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं, जैसे कि हाथी, बाघ, हिरण एवं बंदर सामान्य रूप से यहाँ पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें सुंदरबन डेल्टा या बंगाल, जो पश्चिम बंगाल है वहाँ, तो बंगाल टाइगर एवं मगर जो है, घड़ियाल भी यहाँ पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं, रोहू, कतला, जो मछलियाँ है वो भी प्रकार यहाँ पाए जाते हैं, जो कि मुख्य रूप से देखिए चावल भी इस क्षेत्र में होता है। इसके अलावा देखिए वेदिकाओं का निर्माण, वेदिका का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि खड़ी ढाल है, ये देखिए पहाड़ी है, तो पहाड़ी में देखिए इस प्रकार से कोई सपाट क्षेत्र बना लिया जाएगा और वहां पे हटाकर यहाँ पे देखिए खेती की जाएगी, तो इसको वेदिका कृषि बोलते हैं, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके इस चैप्टर के 8, मतलब चैप्टर नंबर 8 के, तो आप देख सकते हैं, मतलब महाद्वीप के नाम बताएं जो अमेजन बेसिन में स्थित है। तो महाद्वीप का नाम आपको बताना, जैसे कि मैंने बताया था कौन सा महाद्वीप पढ़े थे हमने, वो बताना। अमेजन बेसिन के लोग कौन सी फसल उपजाते हैं, अमेजन के वर्षा वन में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, गंगा नदी के तट पर कौन से प्रमुख शहर है, और एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। हमारे भारत में पाए जाते हैं ये आपको बताना है। चलिए चैप्टर नंबर 9 पढ़ते हैं आप, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं शीतोष्ण घास स्थलों में जीवन के बारे में। तो देखिए घास स्थल किसे कहते हैं, जो झाड़ियां होती है, झाड़ियां न होकर यहाँ पतले पतले जो है, जिनकी हाइट ज्यादा भी नहीं होती है, पतले होते हैं, तो वो मुख्य रूप से वो वनस्पति होते हैं। देखिए जिन स्थानों पर पेड़ ही मुख्य वनस्पति होते हैं उन्हें वन कहते हैं, परंतु जहाँ पेड़ नहीं होता, मतलब मुख्य रूप से जिन इसी प्रकार जिन प्रदेशों में पादप जीवन में प्रमुखता घास की अधिकता होती है, तो उसे घास स्थल कहते हैं। मतलब जहाँ जंगलों की अधिकता होगी यानी कि पेड़ की अधिकता होगी उसे वन कहेंगे, और जहाँ घास की अधिकता होगी उसे घास स्थल कहेंगे। तो पृथ्वी की लगभग 1/4 यानी कि ये टोटल जो भाग है, टोटल भाग का ये वाला भाग, 1/4 भाग में क्या होता है, घास स्थल पाए जाते हैं। और यहाँ जो है इनको पनपने वाले जो पौधे होते हैं, इस प्रकार यहाँ की जलवायु और मिट्टी पर निर्भर करते हैं। घास स्थल के निर्माण में जलवायु की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अगर हम देखें जलवायु के आधार पर विश्व के घास स्थलों को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया, एक तो शीतोष्ण और एक होता है उष्णकटिबंधीय। उष्णकटिबंधीय जैसे कि मैंने बताया, पृथ्वी में जो है बीचों बीच में जो किनारे में यानी कि भूमध्य रेखा के ऊपर और नीचे जो होते हैं वो कहलाते हैं उष्णकटिबंधीय, और शीतोष्ण कटिबंधीय यानी कि ऊपर ध्रुवों के तरफ होते हैं, ठीक है, शीतोष्ण ध्रुवों के थोड़े बाद में, मतलब शीतोष्ण और शीतकटिबंधीय शीतकटिबंध के पहले होते हैं। तो हम इसी के बारे में देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं हम प्रेरी के बारे में। तो प्रेरी हम देख सकते हैं, देखिए प्रेरी आपको देखने को मिलेगा उत्तरी अमेरिका में। तो उत्तरी अमेरिका की अगर बात करें, देखिए उत्तरी अमेरिका का क्या है, पूरा मैप आपको दिख रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का, तो आपको प्रेरी देखने को मिल रहा है। देखिए ये प्रेरी आपको देखने को मिल रहा है। आप कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, उत्तरी अमेरिका में हमको देखने को मिल रहा है, ये अमेरिका में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में, और कनाडा में भी कुछ हिस्सा इसका देखने को मिल रहा है। तो चलिए यहाँ देख लेते, देखिए शीतोष्ण घास स्थल इसे बोला जाता है, तो आपको याद रखना है उत्तरी अमेरिका में कनाडा और अमेरिका के मध्य स्थित है। और यहाँ देखिए पेड़ कम तथा घास अधिक मात्रा में पाई जाती है, वास्तव में यह एक घास का सागर कहलाता है। रॉकीज पर्वत जो होता है एवं पूर्व में ग्रेट लेक से ये घिरे हुए होते हैं। और यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रेरी शब्द जो है किससे बना है, लेटिन भाषा के प्रेटा से बना है, जिसका मतलब होता है शादल। और ये आप देख सकते हैं, देखिए मिसिसिपी की सहायक नदियाँ, कनाडा के प्रेरी, अपमान नदी की सहायक नदियाँ, यहाँ पे सारी चीज हमको देखने को
मिलेगी। तो ये आप देख सकते हैं, देखिए उत्तरी अमेरिका का जो मैप है, और ये संयुक्त राज्य अमेरिका, यहाँ से देखिए ये संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ से कट गया है, और ये कनाडा आपको देखने को मिले। दोनों में आपको प्रेरी घास देखने को मिलेगी। प्रेरी के जो घास के मैदान है, अमेरिका मूल निवासी जिन्हें रेड इंडियन कहते हैं ये कहा जाता है, और उनका निवास स्थान रहे ये, और वे लोग इस महाद्वीप के वास्तविक निवासी थे। प्रेरी शब्द जो प्रेरी अन्य आदिवासियों जैसे अपाची, क्रो, क्री तथा पानी के भी निवास जो है स्थल रहे, मतलब यहाँ बहुत सारी जो है आदिवासी जनजाति जो है निवास करती थी इस प्रकार यहाँ पे। और इसकी जलवायु की बात करें तो देखिए, जलवायु जो होती है जो महाद्वीप के मध्य स्थित होने के कारण यहाँ चरम तापमान वाली महाद्वीपीय जलवायु होती है। ग्रीष्म ऋतु में तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि शीत ऋतु में कनाडा के विनिपेग के तापमान में -20 डिग्री सेल्सियस रहता है। शीत ऋतु में यह प्रदेश बर्फ की एक मोटी परत से ढक जाता है। और देखिए यहाँ जो होता है, जो वार्षिक वर्षा होती है जो सामान्य होती है, और घास मतलब घास के विकास के लिए अनुकूल होती है। अब देखिए जो चिनूक होती है स्थानीय पवन क्यों मतलब महत्वपूर्ण होती है, तो उसके बारे में देखिए, एक प्रकार की गर्म पवन है, यानी कि गर्म मतलब उष्ण प्रकार से बोल सकते हैं हम। तो शीत ऋतु में यह बहती है तथा कम समय में ही तापमान बढ़ा देती है। तो तापमान में वृद्धि होने के कारण बर्फ पिघल जाती है, और यहाँ का बर्फ हट जाता है, और पशुओं के चरने के लिए यहाँ पर चारागाह उपलब्ध हो जाता है। तो चिनूक स्थानीय पवन है और काफी सहायक होती है जो घास है उसके लिए। बात करते हैं वनस्पति जात एवं जो है प्राणी जात की। तो देखिए प्रेरी जो है पेड़ विहीन होते हैं, तो जैसे कि पता हमको प्रेरी मतलब घास का मैदान है। अब घास का मैदान है तो सिंपल सी बात है, घास स्थल यानी कि जहां पे हमको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। तो जहाँ पेड़ नहीं होंगे सिंपल सी बात है, वहीं पे हमको घास स्थल देखने को मिलेगा, तो पेड़ विहीन होते हैं। और यहाँ पे जल उपलब्ध होता है, और देखिए यहाँ पे जो सरपत है, अल्डर है एवं पॉपुलर जैसे पेड़ उगते हैं, तो ये देखिए ये आप ध्यान में रख सकते हैं पेड़ के बारे में। 50 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ वर्षा वाले प्रदेश में कृषि के लिए उपयुक्त होते हैं, और यहाँ की मिट्टी उपजाऊ होती है, मुख्य फसल मक्का। और ये भी चीज आपको पता होनी चाहिए, यूएसए में बहुत अधिक मात्रा में मक्का होता है, और इतना अधिक होता है कि वो गाय को भी अधिक खिलाते हैं ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध दे सके। यहाँ उगने वाली फसल आलू, सोयाबीन, कपास एवं अल्फा अल्फा है, ये आप देख सकते हैं। वर्षा काफी कम एवं अनिश्चित होती है जिन क्षेत्रों में, तो वहां पर पैदा होने वाली घास छोटी तथा नुकीली होती है, मतलब इसी क्षेत्र में अगर जहाँ वर्षा कम हो रही तो वहां की घास कैसी होगी, छोटी एवं नुकीली होती है। इसके अलावा यहाँ के जो पीपल है यानी कि लोग हम बात करें, जो व्यक्ति वहां रहते हैं आदिवासी जो भी है रहते हैं वहां पे, तो काफी परिश्रमी होते हैं इस प्रदेश के, और काफी ज्यादा मेहनत करते हैं वो। और यहाँ देखिए प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का सफलतापूर्वक विकास कर लिया, और विश्व के दो सबसे अधिक विकसित देश संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा में ये प्रदेश स्थित है। तो ये हम देख सकते हैं कृषि की वैज्ञानिक विधि जैसे कि ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, कंबाइन के उपयोग से उत्तरी अमेरिका सबसे बड़ा खाद्यान्न उत्पादक बन गया है। तो यहाँ देखिए गेहूं भी अत्यधिक उत्पादन होता है, मक्का तो होता ही होता है। तो यहाँ देखिए गेहूं अत्यधिक उत्पादन के कारण प्रेरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। विश्व का धान्यागार किसे कहा जाता है, ये है उत्तरी अमेरिका का जो प्रेरी प्रदेश है उसको कहा जाता है। दुग्ध का उत्पादन अन्य प्रमुख उद्योग है यहाँ, क्यों, क्योंकि मैंने बताया मक्का काफी अधिक खिलाया जाता है जानवरों को, तो वो अधिक से अधिक यहाँ पे दूध देते हैं। और डेयरी भी यहाँ पे देखिए, डेयरी क्षेत्र ग्रेट लेक से पूर्व में अटलांटिक तक फैला हुआ है, और दुग्ध उत्पादन एवं व्यापक स्तर पर कृषि दोनों खाद्य प्रक्रमण उद्योग को बढ़ावा दे रहे हैं। देखिए कृषि के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिल रहा है, और दुग्ध डेयरी के क्षेत्र में भी बढ़ावा मिल रहा है। कोयला एवं लोहा जैसे खनिज पदार्थों के विशाल भंडार यहाँ देखने को मिलेंगे। सड़क, रेल एवं नहर की समुचित व्यवस्था भी यहाँ पे देखने को मिलेगी। विश्व का सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश ये बन गया इस प्रकार। बेल्ट, बेल्ट भी एक घास स्थल है, तो ये घास स्थल कहाँ पे पाया जाता है, ये पाया जाता है दक्षिण अफ्रीका में। तो अफ्रीका महाद्वीप देख लेते हैं हम। देखिए अफ्रीका महाद्वीप आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये कंप्लीट रूप से ये अफ्रीका महाद्वीप दिख रहा है, और जो कि हमारा जो है एशिया के थोड़ा किनारे में है। तो बेल्ट घास पाई जाती है यहाँ पर, तो यहाँ हम देख सकते, देखिए पीछे चल के दक्षिण अफ्रीका के ब्रिटिश उपनिवेश बनने के पहले बेल्ट नाम डच आदिवासियों द्वारा दिया गया था। डच एक जो है यूरोपियन जो आए थे एक प्रकार से दूसरे देश में व्यापार करने के लिए, डच ईस्ट इंडीज जो भी है आए थे, जैसे अंग्रेज आए थे उसी प्रकार से, तो उन्होंने इसका नाम दिया था। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है, बेल्ट कहा जाता है, और ये अभी याद रखना है शीतोष्ण है, कहाँ पे है, दक्षिण अफ्रीका में, और बेल्ट इसका नाम है। बेल्ट 600 मीटर से 1100 मीटर तक की विभिन्न ऊंचाई वाले पठार पर मिलते हैं। ड्रेकेंसबर्ग पर्वतों से घिरा हुआ है ये, और यह पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान, जैसे कि यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए
पश्चिम में यहाँ कालाहारी रेगिस्तान आपको देखने मिलेगा यहाँ पे, और इससे ये घिरा हुआ है। और ये देखिए जो इसके उत्तर पूर्व में है उच्च बेल्ट स्थित है, जिसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ हम दक्षिण अफ्रीका में देख सकते हैं, देखिए ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करती है। तो ये दक्षिण अफ्रीका का आप मैप देख सकते हैं, और अगर आप एटलस में देखोगे तो आपको अच्छे से ये नजारा जाएगा। देखिए लिम्पोपो नदी है, ये सभी जो है यहाँ पर मिलती है, और यह इधर हिंद महासागर आपको देखने को मिल रहा है। जलवायु कैसी होती है? तो देखिए हिंद महासागर के प्रभाव के कारण बेल्ट की जलवायु नम होती है, शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है, और तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के मध्य रहता है। जुलाई सबसे अधिक ठंडा महीना यहाँ पे होता है, और ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक गर्म होती है। ऋतु में जोहान्सबर्ग का तापमान, जोहान्सबर्ग यानी दक्षिण अफ्रीका जो होता है वो देश, उसमें देखने को मिलेगा जोहान्सबर्ग, उसका तापमान 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। और देखिए यहाँ पे नवंबर जो होती है, नवंबर से फरवरी के बीच ग्रीष्मकालीन महीनों में होती है ये जो वर्षा होती है। यह बेल्ट तटों पर गर्म महासागरीय जलधारा प्रवाहित होने के कारण ये कारण होता है। और यदि शीत ऋतु में जून से अगस्त तक के महीने में वर्षा कम होती है तो क्या होता है? सूखा ग्रस्त हो सकता है। तो ये नॉर्मल सी चीज़ है, आपको थोड़ा सा याद रखना है इसके बारे में। और वनस्पति और प्राणी जगत की बात करें तो देखिए यहाँ पर वनस्पति काफी विरल होती है, और अधिकतर घास स्थल से ढके होते हैं। ठीक है, लाल घास बेल्ट की झाड़ियों में पैदा होते हैं। बबूल एवं मरोला ऊंचे बेल्ट में उगते हैं, और बेल्ट के प्रमुख जानवर यहाँ देख सकते हैं कौन है, चीता है, शेर भी हो सकते हैं, तेंदुआ भी हो सकते हैं, और कुडू, ये यहाँ के प्रमुख जानवर हमको देखने को मिलेंगे। निवासी, तो निवासी जो होते हैं पशुपालन करते हैं, खनन के लिए यहाँ पे प्रसिद्ध है। और बेल्ट के मिट्टी जो होती है अधिक उपजाऊ नहीं होती है, और यहाँ उपजाऊ, यद्यपि जहाँ उपजाऊ भूमि है वहाँ फसल उगा ली जाती है, परंतु अधिक उपजाऊ नहीं होती है। मक्का, गेहूं, ज्वार, ये जो है आलू यहाँ की मुख्य फसल है। तंबाकू, गन्ना, कपास, ये नगदी फसल यहाँ पर उगाई जाती है। इसके अलावा खनिजों की बात करें तो खनिज प्रचुर मात्रा में यहाँ पर भंडार देखने को मिलेंगे। देखिए जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी कहा जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ किम्बरली हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, उत्तर अमेरिका शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? उत्तरी अमेरिका शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अभी हमने पढ़े उत्तरी अमेरिका घास स्थल के पशु चारागाह को क्या कहते हैं? बेल्ट को अपवाहित करने वाली नदियों के नाम बताइए। बेल्ट में वर्षा वन कब आती है? दक्षिण अफ्रीकी घास स्थल के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये आपको यहाँ पे आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 10, जो कि लास्ट चैप्टर है, और इस प्रकार हमारी पूरी कंप्लीट जो 7th क्लास की एनसीईआरटी ज्योग्राफी है वो आपको एक ही पार्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो रेगिस्तान में जीवन हम देख लेते हैं। तो रेगिस्तान क्या होता है? रेगिस्तान का मतलब शुष्क नहीं होता है, ये इस प्रकार से होता है जहां पर एक प्रकार से ऐसी जमीन जहां पर या तो वर्षा लिमिट से कम होती है, या फिर जहां बहुत ही अधिक बर्फ होती है, तो गर्म भी हो सकते हैं ठंडे हो सकते हैं, तो इन प्रदेशों को रेगिस्तान कहा जाता है। तो सहारा रेगिस्तान कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए अफ्रीका महाद्वीप में हमको सहारा रेगिस्तान मिलेगा, जो कि गर्म महाद्वीप है। तो ये आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये इतनी कंट्री को यहाँ पे टच कर रहा है, ये देखिए ये सहारा रेगिस्तान आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ देखिए ये बहुत सारी मेरिटेनिया है, माली, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ट्यूनिशिया, मोरक्को, ये सहारा, ये सभी आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सहारा रेगिस्तान के अंतर्गत जो कंट्री है। तो यहाँ अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत देख लिया, लगभग देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान इसे बोलते हैं सहारा रेगिस्तान को, लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ है, वो हमने देखे अभी। और देखिए ये देश जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट दी हुई है जो कि हमने मैप में देख ली है, ये कंप्लीट यहाँ पे देख सकते हैं। और देखिए रेगिस्तान यहाँ पे देखिए, ये जो है सहारा मरुस्थल बालू की विशाल परतों से ढका हुआ, बालू मतलब छोटी छोटी जो बजरी होती है। और यहाँ देखिए बजरी के मैदान और नग्न चट्टानों सतह वाली उत्थित पठार भी पाए जाते हैं। चट्टानी सतह कुछ स्थानों पर 2500 मीटर से भी अधिक ऊंची है। इसके अलावा हमने देख लिया, ये देखिए सहारा रेगिस्तान आपको मैप में अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी क्षेत्र में। जलवायु कैसी होती है? जलवायु अत्यधिक गर्म एवं शुष्क होती है, यहाँ की वर्षा ऋतु अल्पकाल के लिए होती है, और आकाश बादल रहित एवं निर्मल होता है। नमी संचय होने के अपेक्षा तेजी से बाष्पित हो जाता है, और देखिए दिन के समय तापमान 50 डिग्री से ऊपर पहुंच जाता है। 50 डिग्री मतलब बहुत अधिक हो गया, बहुत अधिक गर्मी हो जाएगी। और देखिए जो रेत एवं जो नग्न चट्टानें अत्यधिक गर्म हो जाती है, और ताप विकिरण होने के कारण चारों तरफ गर्म हो जाता है क्षेत्र। रातें अत्यधिक ठंडी होती है यहाँ पर, और तापमान गिरकर जो है 0 सेल्सियस पहुंच जाता है, मतलब बहुत अधिक यहाँ पे बर्फ जमने के चांसेस होते हैं। ठीक है,
वनस्पति जगत और प्राणी जगत की बात करें तो देखिए रेगिस्तान में जो है वनस्पति कैक्टस खजूर के पेड़ एवं एकेसिया पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए खजूर के पेड़ों से घिरे हुए है हरितद्वीप भी पाए जाते हैं। जानवरों की बात करें तो ऊंट, लकड़बग्घा, सियार, लोमड़ी, बिच्छू, ये जो है बाकी यहाँ पे छिपकलियां भी यहाँ देखने को मिलती है। लोग की बात करें यहाँ पे तो देखिए जो लोग होते हैं यहाँ के सारा रेगिस्तान में कष्टहारी जलवायु में विभिन्न समुदाय के लोग यहाँ पे निवास करते हैं, जो कि अलग अलग क्रियाकलाप में यहाँ पे भाग लेते हैं। बेउदीन एवं तोरोग भी शामिल यहाँ पे चलवासी जनजाति वाले लोग बकरी, भेड़, ऊँट एवं घोड़े जैसे पशु को पालते हैं और पशुओं से इन लोगों को दूध मिलता है। इनकी जो है खाल, ये जो है पेटी, जूते आदि यहाँ बनाने के लिए उपयोग करते हैं। पशुओं के बालों का उपयोग चटाई और जो उपयोगी चीज है वो बनाने के यहाँ पे करते हैं। गर्म वायु से बचने के लिए लोग जो है भारी वस्त्र यहाँ पे पहनते हैं। इसके अलावा ठंडा रेगिस्तान जो है लद्दाख का, जो कि हमारे भारत में जम्मू कश्मीर में है, तो ये आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो लद्दाख का रेगिस्तान है ठंडा, वो यहाँ देख सकते हैं, जो कि हमारे जम्मू कश्मीर में है और बृहद हिमालय में स्थित है ये लद्दाख, जो एक ठंडा रेगिस्तान है। तो काराकोरम पर्वत श्रेणियाँ, तो यहाँ देख सकते हैं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जो श्रेणियाँ हैं आपको तीनों क्रमशः मिलेगी ट्रांस हिमालय के अंतर्गत। और यहाँ लद्दाख से होकर अनेक नदियां गुजरती है, जैसे मुख्य नदी सिंधु नदी है। तो ये नदियां जो है गहरी महाखड्ड यानी कि गार्ज का निर्माण करती है। और जो लद्दाख में अनेक हिमानियां हैं जैसे गेंगरी, ये भी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर। वनस्पति क्या है यहाँ पर, वनस्पति प्राणी जगत की, तो ये देखिए वनस्पति काफी विरल होता है। जानवरों के चरने के लिए यहाँ कहीं कहीं घास, छोटी छोटी झाड़ियां पाई जाती है। सरपत, पॉपलर जैसे उपवन यहाँ देखे जा सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में सेब, खुमानी, अखरोट जैसे पेड़ यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। लद्दाख में पक्षियों की विभिन्न प्रजातियां नजर आती है, जैसे कि रॉबिन, रेड स्टॉर्क, तिब्बती स्नो स्नो कॉक, रेवन एवं होप यहाँ पाए जाते हैं। कुछ प्रवासी पक्षी मतलब अदर जगह से भी आए वाले रहते हैं। जानवरों की बात करें तो जंगली बकरी, जंगली भेड़, याक, ये विशेष प्रकार के जानवर यहाँ पे पाए जाते हैं। पशुओं को दूध, मांस एवं खाल प्राप्त करने के लिए यहाँ पे पाला जाता है। और दूध का जो है अनेक प्रकार के यहाँ पे हमको क्या है उत्पाद देखने को मिलेंगे, और बकरी और भेड़ के जो बाल है उनसे भी वस्त्र यहाँ देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन है यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए विश्व में कौन कौन से मतलब कौन से दो प्रकार के रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो ये बताना। दो प्रकार के रेगिस्तान जैसे कि मैंने बताया था, और एक और रेगिस्तान है गोबी, जो है वो तो मरुस्थल है एक प्रकार से। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? इसके अलावा लद्दाख रेगिस्तान की जो जलवायु जगत परिस्थितियां वो क्या है? लद्दाख में पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र क्या है? सहारा रेगिस्तान के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते हैं? और लद्दाख में उगने वाले पेड़ों के नाम बताइए। तो ये टोटल हमारे 10 चैप्टर हो गए किसके, एनसीईआरटी जो 7th क्लास है ज्योग्राफी की, वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमारे 8th क्लास की जो ज्योग्राफी वो कंप्लीट एक पार्ट में आ जाएगी। तो ये कंप्लीट लेक्चर आप देख सकते हैं, और इसके पहले 6th क्लास की जो एनसीईआरटी वो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।